हम एक्सरसाइज 2.3 को करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड डेल्टा वाई डी वाई डेल्टा वाई माइनस डी वाई इफ नंबर 1 वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स इक्वल टू 1 एंड डेल्टा एक्स इक्वल टू नेगेटिव 0.5. सबसे पहले डेल्टा वाई फाइंड आउट करते हैं. डेल्टा वाई का हमें पता है, तो वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स इसका क्यूब माइनस 1. एक्स की वैल्यू में हमने थोड़ा सा इंक्रीमेंट लाया और उसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू में भी इंक्रीमेंट आया. ये इक्वेशन इस चीज़ को शो कर रही है. यहाँ से डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो इक्वल टू आ जाएगी एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब माइनस 1 माइनस ये वाई दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और वाई की वैल्यू यहाँ पर लग जाएगी एक्स क्यूब माइनस 1. इस वाली ब्रैकेट को ओपन करें, ए प्लस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब डेल्टा एक्स का क्यूब आगे लिखा हुआ है माइनस 1 और आगे ब्रैकेट ओपन कर लें माइनस एक्स क्यूब प्लस 1. ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी और ये माइनस 1 और ये प्लस 1 कैंसिल. पीछे जो भी रह गया इसमें आप वैल्यूज फिट कर लें. 3 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू गिवन है, एक्स की वैल्यू 1 है, 3 1 स्क्वायर और डेल्टा एक्स की वैल्यू माइनस 0.5 है प्लस 3 टाइम्स एक्स की वैल्यू 1 और डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर यानी माइनस 0.5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 0.5 का होल क्यूब. खाली वैल्यूज फिट कर देनी है, इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. मैं इनको कैलकुलेटर के ऊपर कर लेता हूँ. 3 मल्टीप्लाई 0.5 इसका आंसर आ गया 1.5 और ये नेगेटिव 1.5 आएगा. फिर आगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 का स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस 0.75 एंड माइनस 0.5 का क्यूब ये आ गया 0.125. इन सबको सॉल्व करें. माइनस 1.5 प्लस 0.75 माइनस 0.125 सबका आंसर आ जाता है माइनस 0.875. तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. सॉरी, अब हमने नेक्स्ट इसका डी वाई फाइंड आउट करना है. डी वाई किसके इक्वल है, डी वाई इक्वल है एफ डैश एक्स टाइम्स डी एक्स. एफ डैश एक्स यानी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है आपने और फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 1, तो एक्स क्यूब माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स और डी एक्स एक ही चीज़ है. अब इनकी वैल्यूज फिट कर दें. 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की जगह आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स की जगह आ जाएगा माइनस 0.5. तो ये दोबारा से आ जाएगा माइनस
3 मल्टीप्लाई 0.5 माइनस 1.5, तो ये डी वाई क्या का आंसर आ गया। इसी तरह से अब लास्ट में हमने करना है डेल्टा वाई माइनस डी वाई, इन दोनों के आंसर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा डेल्टा वाई माइनस डी वाई किसके इक्वल होता है। डेल्टा वाई की वैल्यू फिट कर दें, डेल्टा वाई माइनस 0.875 आया था, माइनस 0.875, और फिर आगे क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, चलें बल्कि आप इनको ऐसे लिख लें माइनस 1.5, इनको सॉल्व कर लें। तो आंसर आपके पास आ जाता है प्लस 0.625, ये इसका आंसर हो जाता है। इसी तरह से अब हमने नेक्स्ट पार्ट भी करना है। अब हम पार्ट नंबर टू सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर टू है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x माइनस 2 और x इक्वल टू 2 है और डेल्टा x इक्वल टू 0.3 है। सबसे पहले आपने डेल्टा वाई फाइंड आउट करना है। डेल्टा वाई इज इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 3x माइनस, सॉरी x के बजाय x प्लस डेल्टा x आ जाएगा, तो 3 टाइम्स x प्लस डेल्टा x माइनस 2। यहाँ से डेल्टा y की वैल्यू निकालें, डेल्टा y इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस 2 माइनस y, y की जगह आ जाएगा 3x माइनस 2। वैल्यूज फिट करें, यहाँ पर x की जगह आ जाएगा 2 प्लस 3 डेल्टा x की जगह आ जाएगा 0.3 माइनस 2 एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह से स्क्वायर रूट 3 टाइम्स x की जगह आ जाएगा 2 और आगे माइनस 2, खाली वैल्यूज फिट कर देनी है हमने। स्क्वायर रूट के नीचे जो रेडिकेंड है इनको सॉल्व करें, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 माइनस 2, 4.9 आ जाता है, और 4.9 का स्क्वायर रूट निकालें, तो आपके पास 2.2 आ जाता है। टू पॉइंट टू वन थ्री फाइव नाइन माइनस 3 2 6 माइनस 2 4 या 10, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 0.21359 आ जाता है, 0.21359। तो ये हमारा डेल्टा वाई का आंसर आ गया, बहुत ही सिंपल सा था। उसके बाद डी वाई निकालना हमने, इसी तरह से निकलेगा, डी वाई इक्वल हो गया एफ प्राइम ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स
एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव यानी वाई का डेरिवेटिव, वाई स्क्वायर रूट 3x-2x का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? 1/2√3x-2 और मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ बेस, 3x-2 का डेरिवेटिव क्या आ गया? 3। आगे मल्टीप्लाइड बाय dx, dx जो हम डेल्टा एक्स लगा सकते हैं और डेल्टा एक्स हमें गिवन है। वैल्यूज फिट करें, 1/2√3x-2 एक्स के बजाय आ जाएगा 2 और डेल्टा एक्स के बजाय 0.3। आप खुद भी कर सकते हैं, जस्ट वैल्यूज फिट करनी है। 1/2√3 times एक्स के बजाय आ गया 2-2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स है 0.3। सबको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लें, 3 × 0.3 यानी न्यूमरेटर में 0.9 आ गया, डिवाइड बाय 2 और स्क्वायर रूट 4 ये 2 हो जाता है, 2 × 2 = 4, 0.9/4 इसका आंसर आ गया 0.225, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आपने वाई माइनस सॉरी डेल्टा वाई माइनस डी वाई निकाल लेना है, तो खाली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अप्रोक्सीमेट द फॉलोइंग बाय यूजिंग द डिफरेंशियल। अब डिफरेंशियल्स को यूज करते हुए हमने अप्रोक्सीमेट करना है। सबसे पहले किसको अप्रोक्सीमेट करना है? स्क्वायर रूट 26.2 को। अब सारी सी बात है, जब डिफरेंशियल यूज करते हैं तो हमने फार्मूला कौन सा यूज करना होता है? डी वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स, इस किस्म के फार्मूला हमने यूज करने हैं। तो जाहिर सी बात है हमें ये जो चीज़ है इसको फंक्शन की फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो हम अपने गिवन क्वांटिटी को इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन लेंगे, चूंकि ये स्क्वायर रूट है तो हम अपना फंक्शन भी स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखेंगे। तो हम करेंगे लेट वाई, वाई को एफ ओफ एक्स भी लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू एफ ओफ एक्स और ये इक्वल हो गया स्क्वायर रूट एक्स के इक्वल हो गया। अगर कोई और चीज़ होती यहाँ पे इंडेक्स में 3 होता तो फिर हम इसको जब लेट करते तो इसी फॉर्म में लेट लेट करते। तो वाई हमने एक्स डेल्टा एक्स ले लिया और सॉरी स्क्वायर रूट एक्स ले लिया। अब हमने देखना है कि वो कौन सा स्क्वायर रूट है जो 26.2 के करीब तरीन है। तो 26.2 के करीब तरीन स्क्वायर रूट है 25 और वो प्रॉपर है, परफेक्ट स्क्वायर। तो हम कहेंगे द परफेक्ट स्क्वायर closest to क्या था 26.2, 26.2 के करीब तीन जो परफेक्ट स्क्वायर है वो बनता है 25 is 25। सो अब x प्लस डेल्टा x क्या आ गया? जो ये क्वांटिटी है इसको आप कह देंगे कि ये x प्लस डेल्टा x है। सो x प्लस डेल्टा x आपके पास हो गया 26.2। सो x आप ले लें 25, x आपने 25 ले लिया और फिर देन एक्स प्लस डेल्टा एक्स आपके पास 26.25 आ गया। यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालें, डेल्टा एक्स क्या आ गया 26.2 - x, एक्स की वैल्यू 25 है। तो ये आपके पास जो डेल्टा एक्स है वो किसके इक्वल आ गया? 1.2 के इक्वल आ गया। तो मेन चीज़ सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा? डेल्टा एक्स निकालना पड़ेगा। डेल्टा एक्स और डी एक्स एक ही चीज़ है, एग्जैक्टली एक चीज़ है।
तो डेल्टा एक्स निकल गया। तो अब आप क्या करें कि आपको पता है कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स होता है। अब इसके बाद वाई प्लस डेल्टा वाई यहाँ पर आप लिखें एस, मैं आपको सिंपल मेथड से करा रहा हूँ, है ये बुक वाली मेथड लेकिन मैं इसको ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कराऊंगा। वाई प्लस डेल्टा वाई क्या आएगा, वाई प्लस डेल्टा वाई आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ से आप डेल्टा वाई की वैल्यू, डेल्टा वाई को ऐसे ही रहने दे दें, तो ये चीज़ इसको एज इट इज़ लिख लें आप, ये वाई प्लस डेल्टा वाई हो गया, वाई की जगह आ जाएगा हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई जो है। अब आपने ये कहना है कि डेल्टा वाई जो है वो अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, डी वाई के इक्वल होता है। अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो तो फिर जो डेल्टा वाई है वो डी वाई के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। तो आप कहते हैं एज डी वाई इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई, तो यहाँ पर डेल्टा वाई आ जाएगा। वाई प्लस डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये हमारी मेन इक्वेशन है। इसको यूज़ करते हुए हमने अपनी क्वांटिटीज जो भी गिवन है इनको हमने अप्रॉक्सीमेट करना है, इसको मार्क कर लेंगे एज इक्वेशन नंबर 1। होपफुली आपको ये ड्राइव करने आ गई होगी, ये तो बहुत ही सिंपल सी थी। तो निकालना क्या है इसके लिए हमें, वाई तो एफ ओफ एक्स के इक्वल है, इसको सिंपली यहाँ पे एफ ओफ एक्स लिख लें, बल्कि ना लिखे रहने दे दें इसको। तो हमें निकालना है डी वाई, तो डी वाई क्या होता है, वी नो दैट डी वाई इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स टाइम्स डी एक्स। अब हमने यहाँ से सारे को सॉल्व करना है, डी वाई की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देनी और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो डी वाई इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स, अब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था, स्क्वेयर रूट एक्स के इक्वल था, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 1/2 स्क्वेयर रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1, वो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और डी एक्स की जगह आप डेल्टा एक्स यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी एक्स होता है। वैल्यूज फिट कर दें यहाँ पर, 1/2 स्क्वेयर रूट एक्स की बजाय आ जाएगा 25 और डेल्टा एक्स आया था 1.2। सॉल्व करें इसको, 1/2 डिवाइड बाय 10 आ जाएगा, तो 1.2 डिवाइड बाय 10 आ गया, तो डी वाई आपके पास आ गया 0.12, ये आपका डी वाई हो गया। अब इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें, इक्वेशन 1 है वाई प्लस डेल्टा वाई, यहाँ पे आप लिखें पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है आपके पास वाई प्लस डेल्टा वाई, सॉरी डेल्टा वाई या डी वाई, और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगा निशान, ये मेन पॉइंट है यहाँ पे समझने वाला, क्योंकि जो डेल्टा वाई है वह अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई है, तो इसलिए सॉरी यहाँ पर जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का सिंबल आना चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेटली का सिंबल हमने यूज़ किया और वो है एफ ओ, आगे है एफ ओ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, सिंपली यहाँ पर वैल्यूज फिट कर दें आप, तो वाई था स्क्वेयर रूट एक्स प्लस डी वाई है 0.12 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब एक्स और डेल्टा एक्स की भी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दें,
तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एक्स के बजाय आ गया 25, प्लस डेल्टा एक्स के बजाय आ गया 1.2, और स्क्वायर रूट एक्स के बजाय आ गया एक्स एक्स की जगह हमने लिखना था 25 प्लस 0.12, ये हो गया 5, 5 प्लस 0.12 ये इक्वल हो गया 5.12 के। तो हमारे पास एफ ऑफ, अब 25 प्लस 1.2 कितना हो गया 26.2। अब 26 एफ ऑफ 26.2 किसके इक्वल, आप यहाँ पे नोट करें कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स था स्क्वायर रूट एक्स के इक्वल, तो एफ ऑफ एक्स जो अगर आप लगाते हैं 26.2, तो क्या अब हमने निकालना है एफ ऑफ 26.2। तो एफ ऑफ 26.2 का मतलब है कि एक्स की जगह 26.2 फिट कर दें, और आगे भी स्क्वायर रूट एक्स की जगह 26.2 आ जाएगा। इसको बेशक आप एक बॉक्स के अंदर लिख लें। तो आपके पास एफ ऑफ 26.2 किसके इक्वल हो गया 26.2 का स्क्वायर रूट, और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ गया 5.12 के, और यही आपने शो करना था। 10 स्क्वायर रूट 26.2 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5.12। तो ये बहुत सिंपल सा था। पार्ट नंबर टू है स्क्वायर रूट 80.9। ये पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें भी आपको करना पड़ेगा लेट वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। अब वही वाली थ्योरी यहाँ पर लिखेंगे हम कि सिंस द परफेक्ट स्क्वायर क्लोजेस्ट टू 80.9 इज, 80.9 के क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा बनता है, 81 बनता है, वो 9 का स्क्वायर रूट होता है, वो 9 का स्क्वायर होता है। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर वो वाला जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर लिखा था वही यहाँ पर लिखेंगे। सो एक्स इज इक्वल टू 80 पॉइंट सॉरी एक्स इक्वल टू 81, तो एक्स 81 हो गया हमारा। अब एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या आएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये वाली चीज लेते होते हैं हम 80.9, तो डेल्टा एक्स यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 80.9 माइनस 81, और ये इक्वल आ जाएगा -0.1 के। तो हमारा सिर्फ ये इस बार ये डिफरेंट केस है कि जो डेल्टा एक्स है वो नेगेटिव आ रहा है, तो इसको आगे करना उसी तरह से जैसे अभी हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया। पहले हम डी वाई निकाल लेते हैं। डी वाई क्या था, एफ प्राइम ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर रूट एक्स है, डी एक्स में हम चाहे तो डेल्टा एक्स लगा लें, वैल्यूज फिट कर दें यहाँ पर 1/2 स्क्वायर रूट एक्स बजाय 81 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स के बजाय -0.1। 9 2s are 18, ये 9 होता है, 9 × 2 = 18 -0.1 डिवाइड बाय 18। इसका आंसर है -0.01।
जीरो जीरो फाइव 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 एंड अप टू सो ऑन, ये चलता जा रहा प्रोसेस। इसलिए ऊपर एक बार लगा ली हमने, तो ये डी वाई की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमने निकालना है एफ ओफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी, जैसे हमने पीछे किया था। तो एफ ओफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, चलो एफ ओफ एक्स इक्वल टू वाई था, तो एफ ओफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स किसके इक्वल है, वाई प्लस डेल्टा वाई के, वाई प्लस डेल्टा वाई के। और इसे नेक्स्ट स्टेप में आपने डेल्टा वाई की जगह डी वाई लगा देना है, डी वाई आ जाएगा। और यहाँ पर आप मेंशन करेंगे कि डी वाई इक्वल टू नहीं होता लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है डेल्टा वाई के। और यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेटली का निशान आ जाएगा। तो डेल्टा वाई वाई वो स्क्वायर रूट एक्स के इक्वल है, और डेल्टा वाई अभी हमने निकाला माइनस 0.00555 एंड अप टू सो ऑन, उसको मैंने 6 कर दिया राउंड ऑफ करके। वैल्यूज फिट कर दें, एक्स की जगह आ जाएगा माइनस 0.1 प्लस डेल्टा एक्स की जगह, ओ सॉरी एक्स की जगह 81 आता है, एक्स की जगह आ गया 81 प्लस डेल्टा एक्स की जगह माइनस 0.1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स की जगह हमने क्या लगाना है 81, 81 प्लस और माइनस माइनस 0.00556, 81 प्लस माइनस माइनस 0.1 कितना आया प्लस 80.9 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 9 माइनस 0.00556। इसको कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा, तो 9 माइनस 0.00556 8.99, तो ये आपका आ गया 8.99। आगे 4 4 है, उसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया, तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली आंसर है। रेफ ऑफ 80.9 किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 80.9 के, और ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है हमने, तो बल्कि यहाँ पे 4 4 आ रहा है, पीछे बुक में भी एक 4 4 है, तो ठीक है हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इसी तरह से, थोड़ा सा मैं कर दूंगा और बाकी आप लोगों का क्विज हो जाएगा। और वो क्विज आप लोगों ने जो जो ये लेक्चर परचेज करेंगे वो क्विज़ मुझे सेंड भी कर देंगे मेरी ईमेल पर, सॉल्व करके एक अच्छा सा स्नैपशॉट नीट एंड क्लीन साफ करना है, नोट डाउन करना है, A4 पेज के ऊपर सॉल्व आउट करके आपने उसका स्नैपशॉट यहाँ पर भेज देना है। तो जितने भी क्विज़ेस होंगे वो आप लोगों ने यहाँ पर मुझे भेज देने हैं ईमेल पे। अच्छा, उसके आगे हमारा है यही वाला जो मैंने आपसे क्विज लेना है, इसको मैं चले हिंट प्रोवाइड कर लेता हूँ। ये तो बिल्कुल ही इसी तरह का सवाल है, तो इसमें भी आपने y इज इक्वल टू एफ ओफ एक्स को रख लेना है क्यूब रूट ऑफ एक्स। अब क्यूब रूट ऑफ एक्स आपका क्या हो जाता है, इंडेक्स में 3 है तो क्यूब रूट ऑफ एक्स, अगर 4 है तो फोर्थ रूट ऑफ एक्स, 5 है तो फिफ्थ रूट ऑफ एक्स एंड अप टू सो ऑन, एक्स की पावर 1/3, सिंपल ये करना है। और इस तरह से आपने देखना कि क्लोजेस्ट क्यूब कौन है,
और 123 के, 123 का जो क्लोजेस्ट क्यूब है वो है 125, और वो किसका क्यूब रूट है, वो है 5 का, 5 की पावर 3 लें तो 125 आ जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि द क्लोजेस्ट थर्ड पावर या पावर 3 या क्यूब, क्लोजेस्ट क्यूब टू 123 इज 125। तो सो एक्स इज इक्वल टू 125 हो गया, एंड एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो है वो किसके इक्वल आ गया, वो वही हो जाता जो हमारा क्वेश्चन है, 123। तो यहाँ से आप जब डेल्टा एक्स निकालेंगे तो आ जाएगा 123 माइनस 125 यानी के -2। तो ये आपने इसी तरह से कर लेना है, होपफुली आपसे हो जाएगा। उसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है cos 61 है, पार्ट नंबर 4। cos 61 degrees सॉल्व करेंगे इसको, इसको भी लेट करेंगे। किस फॉर्म में हमने इसको लेट करना है, कॉस की फॉर्म में, जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन गिवन होगा, आपने जो फंक्शन बनाना होगा बिल्कुल उसी फॉर्म में बनाना होगा। कॉस आप 61 नहीं लगाना है यहाँ पे, हमने एक्स लगा लेना है, और एक्स को हमने यहाँ पे रेडियंस में लेना होगा। तो 61 डिग्रीज को आप कैसे लिख सकते हैं, 61 डिग्रीज को आप लिख सकते हैं 60 डिग्रीज प्लस 1 डिग्री, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो इसके अंदर आपके पास ये चीज़ हो जाएगी एक्स, सॉरी ये वाली चीज़ आपकी एक्स हो जाएगी, और ये वाली एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगी। तो यही चीजें हम यहां पर लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू, यहां पर हम लिखेंगे 10, एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। 60 डिग्रीज में इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि हमें वो टेबल में जो है ना, वो ये वैल्यू 60, 45, 30 इस तरह से ये वाली वैल्यूज हमें गिवन होती, तो हमने इसलिए अपनी जो 61 है उसको उसी फॉर्म में लेके जाना है। अब उस फॉर्म में 61 के क्लोजेस्ट कौन सा होता है, वो होता है 60 डिग्रीज होता है, इसलिए हमने इसको 60 डिग्रीज, एक्स को हमने 60 डिग्रीज ले लिया, और ये कितने रेडियन बन गया, पाई बाय 3 रेडियंस। रेडियंस के अंदर किस तरह से लेकर आते हैं, 60 डिग्रीज है इसमें, इसको रेडियन यानी पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाता है। तो ये कितने रेडियंस आ गया, पाई बाय 3 रेडियंस में। तो एक्स आपका ये आ गया। अब एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालें, एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 61 डिग्रीज था जो हमारा क्वेश्चन गिवन होता है, उसको हम एक्स प्लस डेल्टा एक्स कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था, मतलब जिसके ऊपर आप ये 61 डिग्रीज को हमने एक्स प्लस डेल्टा एक्स ले लेना। तो यहाँ से आप डेल्टा एक्स निकालेंगे, डेल्टा एक्स इक्वल टू आ जाएगा 61 डिग्रीज माइनस एक्स, एक्स कितना है 60 डिग्रीज, तो कितना आया है 1 डिग्रीज। इसको भी रेडियन के अंदर ले जाएं तो 1 डिग्री किसके इक्वल है, 1 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, ये इतने रेडियंस आ गया। सॉल्व करें कैलकुलेटर पे तो सबको पता है, और ये पता भी होना चाहिए, 0.01745 तो अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल होता है। तो हमारे पास डेल्टा एक्स भी आ गया। तो ये चीज़ थी मेन,
अब आपने निकाला, एक्स भी मिल गया आपको और आपको डेल्टा एक्स भी मिल गया है। अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। डी एक्स भी आ गया, डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एक्स होता है, और वही है जो डेल्टा एक्स है, 0.01745। तो डी एक्स आ गया, इसके बाद क्या निकालना है, डी वाई। बाकी सारा वैसे ही है जो हमने पीछे वाले क्वेश्चंस के अंदर किया। तो डी वाई आ गया आपके पास एफ डैश एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स। वैल्यूज फिट कर देंगे, पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स, कॉस एक्स था, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और फिर आगे मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स है। डी एक्स को इसी तरह से रहने दे दें, वैल्यूज फिट कर दें, माइनस साइन एक्स की जगह आ जाएगा 60 डिग्रीज, मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स की वैल्यू 0.01745। साइन 60 डिग्रीज कितना होता है, स्क्वेयर रूट 3/2, और स्क्वेयर रूट 3/2 0.866 होता है, स्क्वेयर रूट 3/2 0.866। तो 0.866 को मल्टीप्लाई कर दें 0.01745, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.015 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 0.0151, और नेगेटिव का साइन भी आएगा साथ में, तो ये आपका डी वाई का आंसर आ गया। फाइनली हमने क्या करना होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का आंसर बनाना होता है। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू इक्वल आ जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई के, वाई प्लस डेल्टा वाई के इक्वल होता है, और डेल्टा वाई की जगह हम लगाएंगे डी वाई, तो इसलिए इक्वालिटी के साइन की बजाय अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का साइन आ जाएगा। वैल्यूज फिट करेंगे यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वैल्यूज फिट करने से पहले वाई की वैल्यू लगा लें, वाई क्या था, कॉस एक्स प्लस डी वाई किसके इक्वल आया था, माइनस 0.0151, 0.151 ये आ गया था। वैल्यूज अब जाके फिट कर देंगे हम, एक्स था 61 डिग्रीज, सॉरी 60 डिग्रीज, प्लस डेल्टा एक्स था 1 डिग्रीज, और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो गया कॉस 60 डिग्रीज माइनस 0.00151। कॉस 60 डिग्रीज किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल हो जाता है, 1/2 0.5 होता है, तो 0.5 माइनस 0.0151। तो 0.5 में से 0.0151 निकालें तो हमारे पास 0.4848 टू सोन आता है, और ये है 0.4849। यहाँ पर सॉरी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आना चाहिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो एफ ऑफ ये कितना हुआ, 61 डिग्रीज था, तो एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है कॉस एक्स के, तो एफ ऑफ 61 क्या हो जाएगा, कॉस 61। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, और इसका आंसर एक सेकेंड हम बुक से चेक कर लेते हैं। हाँ 0.49849848 आ रहा है, ठीक है, ये हमारा ये अप्रॉक्सीमेटली ठीक आंसर आया, इसी तरह से इसको हमने करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी इसी तरह से है, उसको भी मैं आपको क्विज में दे दूंगा, लेकिन समझा देता हूँ कि इसको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 इसको करना है, लेट
y इज इक्वल टू, सॉरी बल्कि आप पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन तो मैंने लिखा ही नहीं। क्वेश्चन था 3.02 होल रेज टू द पावर 4 एक, इसमें आपने वाइल पहले तो ये देख लें कि ये किस फॉर्म में दिया है, ये होल पावर 4 की फॉर्म में दिया, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको जब हम वाइल लेट करेंगे तो एक्स की पावर 4 लिखेंगे। तो लेट वाई इज इक्वल टू, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4। अब 3.02 है, इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, 3 प्लस 0.02, तो ये चीज होगी आपकी x और ये चीज होगी आपके पास डेल्टा x। तो इस तरह से आपने पेपर में नहीं लिखा, ये मैंने खाली आपको समझाने के लिए किया है। तो पेपर में आप बस ये लिखेंगे, सो x इज इक्वल टू 3 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 0.02। मैंने डायरेक्ट डेल्टा एक्स लिख लिया है, अगर आप चाहें तो, आपको मैंने कहा था कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो है वो क्या होता है, वो आपका गिवन क्वेश्चन वाला होता है, क्वेश्चन के अंदर 3.02 है, तो यहाँ से आप डेल्टा एक्स निकालेंगे तो वहाँ आ जाएगा 3.02 माइनस एक्स की वैल्यू x3 था, तो ये कितना होता है 0.02 ही आ जाता है, जिस तरह से मर्जी आप इसको समझ लें। तो डेल्टा एक्स आ गया 0.02, आगे क्या करना है, आगे तो सारा वही करना है जो हमने किया था। तो होपफुली आपसे ये हो जाएगा, बल्कि इसको हम पूरा कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम क्विज में डाल लेते हैं। करें इसको, डी वाई निकालें, एफ डैश एक्स टाइम्स डी वाई डी एक्स, डी एक्स डेल्टा एक्स एक ही चीज़ है, एफ डैश एक्स का क्या आंसर है, एक्स की पावर 1/4 है, 4x³ मल्टीप्लाई 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, डेल्टा एक्स जो है वो डी एक्स जो आप चाहे डेल्टा एक्स लगा लें, वैल्यूज फिट कर दें, 4 × x³ यानी 3³ मल्टीप्लाइड बाई 0.02। कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा, 3³ जो है वो क्या होता है 27 होता है, 27 × 4, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.02 के साथ, तो 2.16 आ गया। फाइनली क्या करना होता है, हमने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालना होता है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गया एफ ऑफ सॉरी वाई प्लस डेल्टा वाई, वाई जो आपने लगा दिया एफ ऑफ एक्स सॉरी वाई प्लस डेल्टा वाई, वाई प्लस डेल्टा वाई, डेल्टा वाई जो डी वाई लगा दिया क्योंकि अप्रोक्सीमेटली इक्वल का साइन है, और यह है 2.16, यानी वही सब कुछ जो हमने पहले किया, तो वही काम करेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह लगा देंगे, एक्स की जगह लग गया 3 प्लस डेल्टा एक्स की जगह 0.02 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ 3, यानी कि एक्स की पावर 4, तो 3 की पावर 4 प्लस 2.16। सॉल्व करें इसको, 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 रेज टू द पावर 81 होता है, तो 81 के अंदर ऐड कर दें 2.16, तो 83.16 आ जाता है, और ये आता है एफ ऑफ 3.02।
टू, यानी के 3.02 की पावर 4, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ गया 83.16। 3.02 रेज टू द पावर, कैलकुलेटर पे भी आप इसको चेक कर सकते हैं, 83.18 एग्जैक्ट आंसर है इसका, और हमारा अप्रॉक्सीमेट आंसर है 83.16, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 29 डिग्रीज, इसको अब आपने अप्रॉक्सीमेट करना है, बिल्कुल उसी तरह से अप्रॉक्सीमेट होगा जिस तरह से हमने पीछे वाला क्वेश्चन cos 61 डिग्रीज किया था, बिल्कुल उसी मेथड से आपने करना है कि जो डेल्टा एक्स है उसको रेडियन के अंदर लिखना है हर हाल में। तो 10 20 कौन सा क्वेश्चन है, 6 है, 10 29 डिग्रीज है, तो इसमें आपके पास जो वाई है वो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, या एफ ऑफ एक्स जो है वो आपका 10x आ गया, और फिर उसके बाद आपके पास 29 डिग्रीज है, 30 डिग्रीज के करीब तरीन होता है, तो आप क्या करेंगे एक्स को रख लेंगे 30 डिग्रीज, और इसी तरह से जो डेल्टा एक्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 29 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज, तो यानी कि -1 डिग्रीज आ गया, और ये इक्वल हो जाता है -0.01745 रेडियंस के। बाकी फिर आपने कर लेना है, ये आपका क्विज है, असाइनमेंट भी समझ लें इसको चाहे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं सबके अंदर हमने एरर्स के साथ डील करना है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि एरर क्या होता है। तो लेट करें कि हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है क्यू, फिजिकल क्वांटिटी से मुराद कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल है, जिनको नहीं मेजर कर सकते वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। लेट करें कि किसी बॉडी की जो ओरिजिनल लेंथ थी वो 3 मीटर, अब लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, और जो हमने लेंथ मेजर की उसी बॉडी की, लेट करें कि वो आई 3.2 मीटर्स, अब ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 3 मीटर्स, हमने जो मेजर की वो कितनी है 3.2 मीटर्स। अब चूंकि ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक नहीं आया इसलिए इसमें कुछ एरर है, वो एरर क्या होगा, आपने जो मेजर किया उसको माइनस कर दें ओरिजिनल वाली में से, तो आपके पास 3.2 माइनस 3 मीटर आ जाता है, ये कितना हो जाता है 0.2 मीटर, तो ये आपका क्या हो जाएगा एरर। तो अगर फिजिकल क्वांटिटी क्यू थी या एल थी लेंथ, तो हम इसके अंदर जो हमने मेजरमेंट किया है उसमें जो एरर आया है उसको हम कह देंगे डेल्टा एल, तो एरर का तो हमें पता चल गया, अगर क्यू फिजिकल क्वांटिटी है इसमें से अगर एरर आ रहा है डेल्टा क्यू, तो फिर एवरेज एरर क्या होगा, एवरेज एरर भी कह सकते हैं या इसको रिलेटिव एरर भी कहते हैं, तो रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा पी डेल्टा क्यू डिवाइड बाय क्यू, यानी कि आप एरर को जो आपका पॉसिबल एरर है जो नॉर्मल एरर है उसको आप डिवाइड कर दें ओरिजिनल मेजरमेंट के साथ, तो आपके पास एवरेज रिलेटिव एरर आ जाता है। इसी तरह से अगर आपने परसेंटेज एरर निकालना है तो वो क्या होगा, परसेंटेज परसेंटेज एरर ये क्या होगा कि अगर आप रिलेटिव एरर को 100% के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास परसेंटेज एरर आ जाता है, तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर यानी डेल्टा क्यू डिवाइड बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो ये आपका हो गया परसेंटेज एरर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और इन चीजों को वहां पर यूज करेंगे।
क्वेश्चन नंबर थ्री है, द साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड विद अ पॉसिबल एरर ऑफ प्लस माइनस 2%। The side of a cube is measured with possible error of plus minus 2%. Find the percentage error in the surface area find the percentage error in the surface area of one face of a cube. तो ये आपको इसमें क्वेश्चन दे दिया, अब हमने इसको सॉल्व करना है। कहा जा रहा है कि जो एक क्यूब है, क्यूब की जो एक साइड साइड की जो हमने मेजरमेंट की थी, उस साइड की जो हमने मेजरमेंट किया है उसमें एरर कितना हो सकता है। कहता है प्लस माइनस 2% एरर है। तो आपने ये बताना है कि उसका उस क्यूब का जो एक सरफेस एरिया होगा, किसी भी फेस का जो सरफेस एरिया है उसमें कितना एरर आएगा। हम एक क्यूब को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये इसका फ्रंट फेस हो गया। टोटल 6 फेसेस होते हैं क्यूब के। ये सेकंड फेस, ये थर्ड फेस, ये फोर्थ फेस, फिफ्थ और सिक्स इसमें आ जाते हैं। अब ये क्यूब है, क्यूब की सारी डायमेंशंस एक जैसी होती हैं, यानी कि इसकी लेंथ, इसकी हाइट, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ। ये वाली ब्रेड्थ होगी, ये इसकी लेंथ होगी और ये वाली हाइट होगी। ये सारी डायमेंशंस एक जैसी होती हैं। मैंने एक को अगर एक्स ले लिया, एक्स लेट कर लिया, तो इसका मतलब है सारी की सारी जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, एक्स हो जाएंगी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे लेट x is the length of the cube। ये इसकी अगर लेंथ है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर इसकी अगर आप फेस लेते हैं तो खाली जो फेस होगा वो एक स्क्वायर होगा, और स्क्वायर का एरिया हम यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि डायमेंशन एक जैसी हैं। द एरिया ऑफ द फेस इज ए इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, यानी एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अब हमने चूंकि इसमें एरर निकालना है, तो सबको पता है कि अगर फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ओफ एक्स, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि यहाँ पर एरिया है एफ ओफ एक्स, तो इस केस में जो डिफरेंशियल है वो क्या हो जाता है, एफ डैश एक्स टाइम्स डी एक्स। तो इसको हम यहाँ पे यूज करें तो हमारे पास आता है डी ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी 2x टाइम्स डी एक्स। तो ये हमारा एरर इन द एरिया आ गया। इसको हम एक इक्वेशन का नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं इसको। उसने हमें क्या गिवन, हमें क्या उसने कहा है कि उसने ये कहा है कि साइड के अंदर जो एरर है वो प्लस माइनस 2% है, यानी ये परसेंट की फॉर्म में एरर दी है इसने, तो इसका मतलब हुआ कि ये परसेंटेज एरर है। तो परसेंटेज एरर क्या होगा, और वो भी साइड के अंदर,
साइड में, अब साइड कितनी थी एक्स, तो एक्स के अंदर परसेंटेज एरर क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज एरर इन इन मेजरमेंट ऑफ साइड, इन साइड मेजरमेंट इज इक्वल टू एरर इन लेंथ डेल्टा एक्स, यानी कि डी एक्स लिखेंगे, डेल्टा एक्स और डी एक्स एक ही चीज, डिवाइड बाय एक्स। तो ये डी एक्स बाय एक्स क्या चीज होगी, ये होगी आपकी परसेंटेज एरर, और ये रिलेटिव एरर है, इसके साथ आपने किसको मल्टीप्लाई करना होता है, 100% को। तो आपको गिवन है कि ये एरर कितना है, प्लस माइनस 2% है। तो ये डी एक्स बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय 100%, ये आ गया। अब 100% को वहां पे जाके डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाता है प्लस माइनस 2% डिवाइड बाय 100%। तो ये रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द साइड आ जाता है। परसेंट और परसेंट कैंसिल हो जाते हैं, और 2 जब 100 से डिवाइड हो जाता है तो आपके पास डी एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय प्लस माइनस 2 डिवाइड बाय 100, यानी 0.02 आ जाता है। ये आपका डी एक्स बाय एक्स आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना था कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में परसेंटेज एरर निकालना है। अब यहां पे लिखेंगे नाउ द परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया सरफेस एरिया में परसेंटेज एरर क्या आता है, वो रिलेटिव एरर यानी कि डेल्टा ए डी ए लिखेंगे, डी ए डिवाइड बाय टोटल एरिया मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब डी ए का आंसर हमने निकाल लिया, डी ए किसके इक्वल है, 2x डी एक्स के, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। टू एक्स डी एक्स, उसके बाद एरिया हमने सबसे शुरू में निकाला वो एक्स स्क्वेयर था मल्टीप्लाइड बाय 100%। ये एक्स इस एक पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2 dx डिवाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब डी एक्स बाय एक्स किसके इक्वल है, प्लस माइनस 0.02 के इक्वल है, इसको यहां पर पुट कर दें तो 2 मल्टीप्लाइड बाय, उस प्लस माइनस को आप बेशक शुरू में लिख लें, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 सॉरी 0.02 फिर मल्टीप्लाइड बाय 100%, आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 0.04 जाता है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द सरफेस एरिया कितना होगा, वो प्लस माइनस 4% एरर होगा। बॉक्स विद स्क्वायर बेस हैज इट्स हाइट ट्वाइस इट्स वेथ, इफ द वेथ ऑफ द बॉक्स इज 8.5 इंचेस विद द पॉसिबल एरर ऑफ प्लस माइनस 0.3 इंचेस, फाइंड द पॉसिबल एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो एक बॉक्स बना लेते हैं हम, कहा जा रहा है कि इस बॉक्स की जो हाइट है ये वाली चीज
वो इसकी विड्थ के ट्वाइस है। ये चीज़ इसकी विड्थ है, यानी कि अगर हम विड्थ को एक्स लेट कर लें तो इसकी हाइट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, टू टाइम्स ऑफ एक्स हो जाएगी, क्योंकि विड्थ के टू टाइम्स है तो इसलिए ये 2x हो जाएगी। और आपको ये भी कहा गया है कि इसकी जो बेस है वो स्क्वायर बेस है, बॉक्स की जो बेस है वो है स्क्वायर बेस। तो इसका मतलब हुआ कि जो इसकी बेस है वो एक स्क्वायर होगी, स्क्वायर होने की वजह से इसकी लेंथ और विड्थ एक जैसी हो जाएंगी। तो ये इसकी विड्थ एक्स है तो इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। तो ये तो हमारे पास आ गई इसकी डायमेंशंस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट लेट एक्स डिनोट्स, या लेट एक्स बी दी विड्थ, विड्थ ऑफ द बॉक्स देन देन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देन वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स विल बी वी इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेंथ एक्स विड्थ भी एक्स एंड हाइट इज 2x। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करो तो 2x³ आ जाएगा। तो ये वॉल्यूम हो गया। आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द पॉसिबल एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो वॉल्यूम जो है, बॉक्स का जो वॉल्यूम है इसका, इसके अंदर आपने अप्रोक्सीमेट करना है वॉल्यूम को, सॉरी एरर को। तो एरर क्या आ जाएगा, दोनों साइड्स पे आपको डिफरेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, डिफरेंशियल। टू के ऊपर डिफरेंशियल नहीं अप्लाई हो सकता, तो डिफरेंशियल किसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, x³ के ऊपर। तो आगे डिफरेंशियल की जो डेफिनेशन है, डी वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव्स टाइम्स डेरिवेटिव टाइम्स डी एक्स, ये अप्लाई करें यहाँ पर, ये अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स x³ का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x² होता है। फिर आगे किससे मल्टीप्लाई करना, हमने डी एक्स के साथ। तो ये हो गया आपका एरर इन द वॉल्यूम, और ये किसके इक्वल आ गया, 6x² डी एक्स के। आगे आपसे ये कहा गया है कि इफ द विड्थ ऑफ द बॉक्स इज 8.5 इंचेस विद अ पॉसिबल एरर ऑफ प्लस माइनस 0.3 इंचेस। अब विड्थ कितनी है, ये आपको गिवन है कि विड्थ यानी कि एक्स जो हमने लेट किया, इट इज 8.5 इंचेस, और इसमें जो एरर है डी एक्स, अब चूंकि उसने रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर तो नहीं दिया, वह पॉसिबल एरर दिया, तो इसका मतलब है ये सिंपल वाला एरर है। और ये कितना है, प्लस माइनस 0.3 इंचेस। इसको यहाँ पे पुट करो, 10 10 एरर या पॉसिबल एरर इन द वॉल्यूम विल बी, तो ये कितना एरर हो जाएगा, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, ये जो आपके पास dv वाली इक्वेशन आई है इसके अंदर इसे पुट करें तो आपके पास आ जाएगा dv इज इक्वल टू 6x की जगह आ जाएगा 8.5 इंचेस, इसका स्क्वायर। और जो dx है, dx की जगह आ जाएगा प्लस माइनस 0.3 इंचेस। इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करें तो
तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एट पॉइंट फाइव का स्क्वायर मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई 0.3। तो ये आ गया 130.05 आ रहा है कैलकुलेटर पे। इसको कर लें, प्लस माइनस का निशान एज इट इज आ जाएगा। और ये प्लस माइनस 0.3 इंचेस था, यहाँ पर इंचेस लगा लें एरर वाली जगह पर। सो प्लस माइनस 130.05। अब ये इंच का स्क्वायर है इस जगह पर, और ये एक इंच, ये स्क्वायर इंच और इंच आपस में मल्टीप्लाई होकर क्यूब इंच बन जाएंगे। तो ये क्यूबिक इंच आ गया। तो इसको आप लिखेंगे प्लस माइनस 130.05 क्यूबिक इंच। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से अब आपने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर आपको कहा जा रहा है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स या डी एक्स इज इक्वल टू 10.1 सेंटीमीटर। फाइंड द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द एरिया ऑफ द सर्कल। ये आपका सर्कल, ये इसका सेंटर ओ, और ये इसका रेडियस, और रेडियस उसने एक्स दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर आर नहीं लिखना, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे एक्स। तो रेडियस इसका एक्स हो गया। तो रेडियस आपको बताया गया कि इट चेंजेस फ्रॉम या इट इंक्रीजेस फ्रॉम 10 सेंटीमीटर टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 10.1 सेंटीमीटर। तो डेल्टा एक्स क्या आएगा, डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं एक्स प्लस डी एक्स माइनस एक्स, क्योंकि ये डी एक्स ही है। तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या था, 10.1 सेंटीमीटर माइनस एक्स कितना है, 10 सेंटीमीटर, कितना आ गया ये 0.1 सेंटीमीटर। ये इसका एरर आ गया या इंक्रीमेंट आ गया। तो ये इंक्रीमेंट इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस या इंक्रीमेंट इन द रेडियस जो है वो 0.1 सेंटीमीटर आ गया। अब आगे आपने क्या करना है, उसने कहा है कि फाइंड द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द एरिया ऑफ द सर्कल, और इसके अलावा इसने एक और काम भी कहा है कि फाइंड द परसेंटेज एरर, परसेंटेज चेंज इन द एरिया। तो परसेंटेज चेंज इन द एरिया भी हमें फाइंड आउट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल, तो ये तो बहुत ही छोटी क्लासेस, सिक्स सेवेंथ क्लासेस के अंदर आपने पढ़ा हुआ है। लेट करें कि ये एरिया ए है, तो ये इक्वल हो जाएगा पाई टाइम्स रेडियस का स्क्वायर। रेडियस अब यहाँ पर एक्स था। अब चेंज इन एरिया फाइंड आउट करना है, तो चेंज इन एरिया डी ए हो जाएगा। किसके ऊपर अप्लाई करना, हमने इसकी दोनों साइड्स पर डिफरेंशियल अप्लाई कर लेना है, पाई टाइम्स एक्स स्क्वायर। डिफरेंशियल पाई पे नहीं अप्लाई हो सकता क्योंकि पाई कांस्टेंट है, तो इसलिए डिफरेंशियल अप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर के ऊपर। तो पिछले क्वेश्चन के अंदर भी बताया कि डिफरेंशियल्स को किस तरह से इवेलुएट करते हैं, तो ये आ जाएगा टू एक्स डी एक्स। तो यहाँ से आपको पता चला कि आपका जो एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एरिया या चेंज या इंक्रीमेंट इन द एरिया वो क्या आ गया, 2 पाई एक्स डी एक्स। और डी एक्स कितना था, डी एक्स था
कितना निकाला था हमने, 0.1 सेंटीमीटर, तो डी एक्स की जाए 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा, और एक्स कितना था, एक्स आपका 10 सेंटीमीटर था। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इट चेंजेस फ्रॉम 10 टू 10.1, एक्स कितना था, 10 सेंटीमीटर्स था। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर दें, एक्स की बजाय 10 सेंटीमीटर आ जाएगा और डी एक्स की बजाय 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। टेन 0.1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर 1 आ जाता है, तो इसलिए आपके पास आ जाएगा 2π² सेंटीमीटर। इसको लिखेंगे हम 2π² सेंटीमीटर्स। तो ये चेंज इन एरिया आ गया। अब हमने निकालना है परसेंटेज एरिया। परसेंटेज एरिया किस तरह से निकालते हैं, सॉरी परसेंटेज एरिया निकालने के लिए आपको पहले रिलेटिव चेंज आपने फाइंड आउट करना, परसेंटेज चेंज इन एरिया फाइंड आउट करना है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव चेंज इन एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो रिलेटिव चेंज इन एरिया यानी कि डी ए डिवाइड बाई ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द एरिया, तो ये कितना आया था, 2π, बल्कि पहले डी ए की वैल्यू फिट कर दें यहाँ पे, था 2π x डी एक्स डिवाइड बाय एरिया था π x²। पाई पाई कैट कट हो जाएंगे और एक्स की पावर भी कट हो जाएगी, आपके पास 2dx बाय एक्स आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई dx था 0.1 डिवाइड बाय एक्स था 10, तो ये 0.01 हो जाएगा और ये बन जाएगा 0.02। इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि डी एक्स का यूनिट सेंटीमीटर था और एक्स का भी सेंटीमीटर था, इसलिए कैंसिल आउट हो गए। तो ये आपके पास अभी डी ए बाय ए आ गया। तो परसेंटेज चेंज इन एरिया ये कितना हो जाएगा, इसी डी ए बाय ए यानी कि रिलेटिव एरिया को हम किससे मल्टीप्लाई कर, सॉरी रिलेटिव चेंज को हम 100% के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास परसेंटेज एरर आ जाता है। तो 0.02 मल्टीप्लाई 100%, तो ये बन गया 2%। इसका आंसर चेक कर लेते हैं पीछे, क्वेश्चन नंबर 5 का 2% आंसर है। इसी तरह से अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द डायमीटर ऑफ द प्लांट ऑफ अ प्लांट वाज 8 इंचेस। एक प्लांट का डायमीटर 8 इंचेस था। आफ्टर 1 ईयर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द प्लांट इंक्रीज बाय 2 इंचेस। तो एक साल के बाद जो प्लांट जो पौधा था उसका जो सर्कमफ्रेंस है वो 2 इंचेस बढ़ गया। फॉर एग्जांपल वो एक कोई प्लांट है, पौधा दरख्त है, तो ये दरख्त का ये स्टेम हो गया, तना हो गया इसका, तो इसका कुछ ना कुछ ये डायमीटर बनता है और इसका कुछ ना कुछ रेडियस, सॉरी ये इसका सर्कमफ्रेंस था जो मैंने सर्कल बनाया डॉटेड लाइंस में, और जो स्ट्रेट लाइन बनाई है इसका डायमीटर हो गया। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने लिया, उसका डायमीटर बता दिया मैंने, और ये भी बता दिया कि सर्कमफ्रेंस क्या था। सर्कमफ्रेंस तो यही सर्कुलर पाथ की जो टोटल लेंथ होती है उसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, और वो 2πr होती है, ये सबको पता है। 1 ईयर आफ्टर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द प्लांट इंक्रीज बाय 2 इंचेस,
तो चेंज इन द सर्कमफ्रेंस कितना आ गया, 2 इंचेस आ गया। हाउ मच डिड द डायमीटर ऑफ द प्लांट इंक्रीज, आपसे पूछा जा रहा है कि प्लांट का डायमीटर जो है वो कितना चेंज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, और हाउ मच डिड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लांट चेंज। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना चेंज हुआ ये भी आपने फाइंड आउट करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन करना है। तो इसके लिए आप लेट करें, लेट एक्स बी द, लेट एक्स बी द, इसको बना देते हैं रेडियस या डायमीटर कह देते हैं, लेट एक्स बी द डायमीटर ऑफ द प्लांट। प्लांट का डायमीटर हमने एक्स रख लिया, एक्स का डायमीटर हो गया, और फिर डायमीटर ऑफ द प्लांट। अब सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू सी कह देते हैं, कितना हो जाएगा 2π टाइम्स रेडियस। तो रेडियस जो है वो क्या होता है, हाफ ऑफ द डायमीटर होता है, तो यह आ जाएगा 2π टाइम्स हाफ ऑफ द रेडियस यानी x, और ये आपके पास आ गया पाई x, ये आपका सर्कमफ्रेंस हो गया। आपको ये बताया गया है कि सर्कमफ्रेंस के अंदर जो चेंज आया है आफ्टर 1 ईयर ये 2 इंचेस का था। तो गिवन दैट चेंज इन द सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 इंच, तो 2 इंचेस का सर्कमफ्रेंस में चेंज आया, और डी सी यहाँ पे यहाँ से निकालें डी सी, तो आपके पास क्या आ जाता है, डी सी ऑल्सो डी सी इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ पाई एक्स। तो पाई पे डिफरेंशियल नहीं अप्लाई होगा, डिफरेंशियल किस पे अप्लाई हो जाएगा, एक्स के ऊपर ही, तो सिंपल डी एक्स आ जाएगा। तो ये डी सी की वैल्यू आ गई। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपने क्या फाइंड करना है, कि पहले था डायमीटर चेंज इन द, हाउ मच डिड द डायमीटर ऑफ द प्लांट इंक्रीज। तो डायमीटर का पता करना है कि वो कितना इंक्रीज हुआ, डीसी था आपके पास 2 इंचेस, और ये इक्वल आ गया पाई डी एक्स, डीसी के बजाय हमने खाली 2 इंच लगा दिया। यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालो, 2 इंच डिवाइड बाय पाई, तो ये आपका चेंज इन द डायमीटर आ गया, विच इज़ रिक्वायर्ड चेंज इन द डायमीटर। और उसके बाद आपसे ये भी पूछा गया द क्रॉस सेक्शनल चेंज इन द एरिया ऑफ द प्लांट, ये कितना चेंज हुआ। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लांट, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लांट, क्योंकि क्रॉस सेक्शन इसका एक सर्कल बन रहा है, तो उसका एरिया क्या बन जाएगा, पाई टाइम्स रेडियस का स्क्वायर, अब रेडियस तो नहीं हमारे पास डायमीटर है, तो ये 1/2 टाइम्स रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, तो ये आ जाएगा, तो ये इक्वल हो गया 1/4 पाई एक्स स्क्वेयर, ये एरिया। इसी तरह से अब आपने निकालना है डी ए तो डी ए आ गया
वन बाय फोर के ऊपर नहीं अप्लाई होगा, पाई के ऊपर भी नहीं डिफरेंशियल अप्लाई होगा। डिफरेंशियल किस पे अप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पे। एक्स स्क्वायर पे डिफरेंशियल अप्लाई करें तो टू एक्स डी एक्स आ जाता है। तो इनको कैंसिल आउट करें, अभी पास आ जाएगा पाई एक्स डी एक्स डिवाइड बाय टू। तो पाई बाय टू एक्स डी एक्स, ये आपका चेंज इन द एरिया आ गया। आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपको ये पता है कि डी एक्स की क्या वैल्यू निकली है। डी एक्स की वैल्यू हमने पिछले कस अभी निकाली, डी एक्स इज इक्वल टू टू डिवाइड बाई पाई इंच आया। तो पाई बाय टू एक्स डी एक्स, एक्स आपके पास डायमीटर है और डायमीटर आपको गिवन है कि द डायमीटर ऑफ द प्लांट वाज 8 इंचेस। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 इंच एक्स के बजाय, और डायमीटर जो था वो था 2 बाय पाई इंच था, या पाई बाय 2 इंच था, 2 डिवाइड बाय पाई इंच। तो डिवाइड 2 डिवाइड बाय पाई इंच आ जाएगा। पाई और पाई कैंसिल, 8 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास खाली 8 स्क्वायर इंच आ जाएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड चेंज इन एरिया था। इसको बुक से कंफर्म कर लेते हैं। हाँ जी, यस, 2 बाय पाई इंच और 8 स्क्वायर इंच, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सैंड पाउरिंग फ्रॉम अ शूट फॉर्म्स अ कॉनिकल पाइल हुज अल्टीट्यूड इज ऑलवेज इक्वल टू द रेडियस। इफ द रेडियस ऑफ द पाइल इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द रेडियस व्हेन द वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सैंड पाउरिंग फ्रॉम अ शूट, एक शूट के अंदर से, शूट कहते हैं पाइप नुमा चीज है, नाली नुमा चीज है। तो मैं इसको यहाँ पे ये बना लेता हूँ, ये हो गया आपकी शूट। इसमें से सैंड पावर हो रही है, इसमें से सैंड निकल रही है, एंड एंड इट फॉर्म्स अ कॉनिकल पाइल। जब यहाँ से निकल के नीचे आके जमा होती है तो ये जो इसका ढेर लगता है, ढेर जो यहाँ पे बनेगा वो किस फॉर्म में होगा, वो कहता है कॉनिक शेप में कॉनिकल पाइल बनती है इस तरह से। और ये भी कहा जा रहा है, जैसे जैसे ये भरती रहेगी तो ये फैलती भी जाएगी और ऊंची भी होती रहेगी। लेकिन उसने कह दिया कि ये जो ये फैल रही है, यानी जो इसका जो रेडियस है या डायमीटर है, रेडियस जो है इस तरह से ये कुछ फैल रही है कि इसका जो रेडियस है इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू इट्स अल्टीट्यूड। तो इसका अल्टीट्यूड यानी ये जो इसकी हाइट बन रही है वो, और जो रेडियस है ये हमेशा बराबर रहेंगे। तो उसने ये कह दिया कि ये इस तरह से ये ढेर यहाँ पे लगा जा रहा है कि हाइट और रेडियस इक्वल है। इसके आगे आपसे कहा जा रहा है, इफ द रेडियस ऑफ द पाइल इज 10 सेंटीमीटर, पाइल का अगर जो रेडियस 10 सेंटीमीटर है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द रेडियस व्हेन द वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर हम वॉल्यूम को 2 क्यूबिक सेंटीमीटर चेंज करें तो बताएं कि इस पाइल के रेडियस में क्या चेंज आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले डायग्राम ना ड्रॉ कर लें, क्योंकि जो पाइल बन रहा है वो क्या है, वो कॉनिकल शेप में, और ये कॉनिकल का रेडियस है, लेट कर दें हम कहते हैं ये एक्स है, और लेट करें ये इसकी हाइट है, हाइट उतनी है जितनी इसका रेडियस है। तो उसने कह दिया ये आपकी कौन होगी, कौन, एक 3 डायमेंशनल डायग्राम होती है। अच्छा, इफ द रेडियस ऑफ द पाइल इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द रेडियस एंड वॉल्यूम। ये अब हमने फाइंड आउट करना है, तो हम लेट करते हैं कि लेट एक्स बी द रेडियस, एक्स बी द रेडियस, रेडियस ऑफ द कॉनिकल पाइल लिखते हैं, ज्यादा बेहतर हो जाएगा, और इन्वर्टेड कॉमास का यूज नहीं करते होते।
इनवर्टेड कॉमा सिर्फ स्पेशल केसेस में यूज़ किया जाता है। रेडियस ऑफ द कॉन जो है वो एक्स हो गया, देन दी वॉल्यूम विल बी, देन इट्स वॉल्यूम इज, अब कोन का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला यूज़ करना है हमने। जो कोन है उसका वॉल्यूम इक्वल होता है 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट भी एक्स है तो इसका वॉल्यूम हो गया वी इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब एक्स क्यूब, तो ये इसका वॉल्यूम हो गया। चेंज इन वॉल्यूम कितना आया, चेंज इन वॉल्यूम 1/3 पाई, इस पे डिफरेंशियल नहीं अप्लाई होगा, डिफरेंशियल किस पे अप्लाई हो जाएगा, एक्स क्यूब पे अप्लाई हो जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करने हैं डिफरेंशियल का, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव यानी कि 2x² फिर मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर दें, डी वी इज इक्वल टू, और सॉरी ये जो डेरिवेटिव है वो 2x² नहीं आता, 3x² आता है क्योंकि x की पावर 3 है, 3 और 3 कट हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा पाई x² डी एक्स। अब आपको गिवन है कि एक्स जो आपका रेडियस ऑफ द पाइल है वो है 10 सेंटीमीटर, और इसके अलावा ये भी गिवन है कि चेंज इन द वॉल्यूम कितना आ रहा है, वो आ रहा है चेंज इन द वॉल्यूम, लेट मी चेक अगेन, चेंज इन द रेडियस, वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 2 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये 2 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो इसको यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 2 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू पाई एक्स की बजाय आ जाएगा 10 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर, और डी एक्स तो हमने फाइंड आउट करना है चेंज इन रेडियस, इन दोनों को उठा के वहाँ पे डिवाइड कर दें तो 2 क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइड बाय पाई मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 को यहाँ पे शुरू में लिख लो और ये सेंटीमीटर क्यूब था, नीचे आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स, तो यही चेंज इन द वॉल्यूम है, हमने चेंज इन द रेडियस ही हमने फाइंड आउट करना था। इसको सॉल्व करें, सेंटीमीटर क्यूब के साथ सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर सेंटीमीटर आ जाएगा और नीचे जो क्या क्या रह जाएगा, 2 और 100 कैंसिल हो गया, 50 आ जाएगा और साथ में पाई आ जाएगा, तो ये हो गया 1/50 पाई सेंटीमीटर बुक के अंदर आंसर, किसी किसी बुक के अंदर शायद आंसर गलत हो, पीछे लिखा हो पाई बाय 50 सेंटीमीटर तो वो गलत है, ये 1/50 पाई सेंटीमीटर इसका आंसर है। इसी तरह से अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डोम इज इन द शेप ऑफ हेमिस्फीयर, एक डोम है गुंबद जिसको कहते हैं उर्दू में गुंबद, एक किस शेप में आपको दिया हुआ, हेमिस्फीयर की शेप में, विद रेडियस 60 फीट, तो 60 फीट उसका रेडियस है डोम का, द डोम इज टू बी पेंटेड विद अ लेयर ऑफ 0.01 इन थिकनेस, हमने डोम को क्या करना, पेंट करना है, और जो हम पेंट यूज़ करेंगे उसकी मोटाई कितनी है, 0.01 है, ठीक हो गया, तो यूज़ द डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट द अमाउंट ऑफ पेंट रिक्वायर्ड, अब जो हमने डोम के अंदर पेंट जो करना है वो उस पेंट वो कितना पेंट जो है वो यूज़ हो जाएगा, जब आप फॉर एग्जाम्पल कप के अंदर पानी डालते हैं तो आपसे पूछा जाए तो ये कितना पानी है, तो आप हमेशा इसका बताते होते हैं कि कितने वॉल्यूम का पानी इसके अंदर मौजूद है। अब इसी तरह से जब आप एक फॉर एग्जाम्पल इस तरह से ये एक गुंबद है, गुंबद के ऊपर जब आप पेंटिंग करेंगे तो फिर ये सारे सिर्फ पेंट की बात करें, ये सारा गुंबद था, जब सारा गुंबद है तो इसका मतलब है कि गुंबद का एरिया नहीं गुंबद का वॉल्यूम आता है, इसका सारा कुछ पोर्शन, इसके ऊपर हमने क्या चढ़ा दी, एक और लेयर चढ़ा दी, लेयर किस चीज़ की चढ़ाई है, पेंट की चढ़ाई है, और वो किस शेप में चढ़ेगी, जाहिर सी बात है जिस फॉर्म में आपका
गुंबद है, गुंबद हेमीस्फेयर फॉर्म में, तो फिर इसका बात इसका मतलब हुआ कि इसके ऊपर जो लेयर पेंट की चढ़ेगी वो भी हेमीस्फेयर फॉर्म में होगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि सॉरी वो हेमीस्फेयर फॉर्म में होगी, और अगर आप उसको देखें कि उसकी शेप क्या बन रही है, तो आपको पता चलेगा कि ये हेमीस्फेरिकल शेल बन रहा है, यानी कि ये वाला पोर्शन खाली बन रहा है, ये वाला हेमीस्फेरिकल शेल बन रहा है। तो इस शेल का वॉल्यूम भी होगा, क्योंकि ये पूरा एक तरह का समझने के हेमीस्फेयर का एक छोटा सा हमने पीस उठा लिया, और उसका वॉल्यूम हमने क्या करना है, ये हमने फाइंड आउट करना है। आपको ये गिवन है कि इस जो हेमिस्फेरिकल शेल है इसका रेडियस कितना है। अगर मैं इसको थोड़ा जूम इन कर दूं, तो आपको ये बताना है कि ये जो रेडियस जो है वो तो गिवन है, आपने ये बताना है कि ये रेडियस ये हो जाएगा इसका, ये जो मैंने लेंथ बनाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका रेडियस हो जाएगा, और वो आपको गिवन है। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया। आपने क्या करना है कि इस स्फेरिकल शेल हेमिस्फेरिकल शेल का क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। हेमिस्फीयर का मतलब कि ये हाफ ऑफ द स्फीयर है, तो इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो आप लेट करें, लेट एक्स पहले यहाँ पे बना लें, एक स्फेरिकल शेल बल्कि डोम बना दें, स्फेरिकल हेमी स्फेरिकल है, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, ये इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक का, तो ये हो जाएगा एक्स। लेट एक्स बी दी रेडियस ऑफ दी डोम, इस डोम का रेडियस एक्स हो गया। और कितना है, 60 फीट है आप, और इसका वॉल्यूम क्या बनेगा, इट्स वॉल्यूम इज वी इज इक्वल टू, वी इज इक्वल टू, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई टाइम्स रेडियस का क्यूब। अब हेमिस्फीयर क्या होता है, इसका हाफ होता है, तो हाफ ऑफ द 4π x³, 2 और 4 कैंसिल, तो 2/3π x³ आ जाएगा, तो 2/3π x³ ये इसका वॉल्यूम हो गया। हमने शेल का वॉल्यूम फाइंड आउट करना, स्फेरिकल शेल यानी कि वो सारा पेंट जो इसके ऊपर यूज हो रहा है, और वो सारे का सारा क्या होगा, वो 3D है, पूरे की पूरी एक सरफेस बनती है, तो इसका वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है, और वो हम कह देंगे लेट वो dv है। तो क्योंकि वो इसी का कुछ इसी के वॉल्यूम में से ऊपर मजीद एक हिस्सा लिया जाएगा, तो चेंज इन द वॉल्यूम यानी कि इसी का एक इसी वॉल्यूम का एक इंक्रीमेंट होगा, तो वो चेंज इन द वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यानी डिफरेंशियल 2/3π के ऊपर डिफरेंशियल अप्लाई नहीं हो सकता बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंट, तो डिफरेंशियल अप्लाई हो गया dx³ के ऊपर, तो 2/3π टाइम्स 3x² dx, डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया x³ के ऊपर, 3 एंड 3 दे गेट कैंसल्ड, एंड यू आर लेफ्ट विद dv इज इक्वल टू 2 था, 2π x² dx, ये आपका चेंज इन द वॉल्यूम जो आपने फाइंड आउट करना था। उसके अलावा आपको क्या दिया हुआ कि वो जो रेडियस था जो आपको बताया गया कि थिकनेस है पेंट की थिकनेस है, लेट मी चेक, 0.0 इंच थिकनेस है। इसको इक्वेशन 1 बना लें और थिकनेस यूज करें। गिवन दैट आप इसके अंदर थोड़ी सी थिकनेस खुद से बना लें,
ये डी एक्स होगी थिकनेस, और इसको डॉटेड लाइन में ऊपर एक पूरा शेल बना ले। तो ये इसकी थिकनेस होगी, और आपको किस में दी, इसने इंचेस में दी हुई है। गिवन दैट डी एक्स इज इक्वल टू 0.01 इंच, 0.01 इंच। अब चूंकि आपका जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो इंचेस के अंदर दिया हुआ है, तो सॉरी हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो फीट के अंदर दिया है, तो फिर इट इज नेसेसरी टू राइट डी एक्स इन द फॉर्म ऑफ फीट। अभी हमने इंचेस की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब सबको पता है कि जो एक फुट होता है, एक फुट के अंदर कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। तो यहाँ से 12 को उस साइड पे डिवाइड कर दें, 1/12 फिट आ जाता है एक इंच में। तो एक इंच में कितने फिट हो जाते हैं, ये ना कह देना कि इंच में तो फिट होते ही नहीं है, इंच के अंदर कितने फिट हो गए कि हमने फाइंड आउट कर लिए, 1/12 फिट होते हैं। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, सबको पता है 60 सेकंड है, और इसी तरह से बताएं कि एक सेकंड में कितने मिनट्स हैं, तो आप कहेंगे 1/60 मिनट्स एंड सो ऑन। तो इसी तरह से एक इंच में कितने फिट हो जाएंगे, वो जाएंगे 1/12 फिट। वो तो मैंने यहां से आपको शो करके दिखा दिया, तो ये आ जाएगा 0.01 डिवाइड बाय 12 इंच से अभी किस में चला जाएगा, फिट में। तो इतने फीट हो गया डी एक्स, इसको सब्स्टिट्यूट कर दें जस्ट ऊपर, और एक्स जो है वो कितना है, एक्स भी आपको गिवन है 60 फीट। ऑल्सो गिवन दैट एक्स इज इक्वल टू 60 फीट। सो इन सब वैल्यूज को उसमें पुट करें तो जो अमाउंट रिक्वायर्ड आपको पेंट करने के लिए वो हो जाएगी डीवी इज इक्वल टू 2π x² dx। थी 2π x² यानी 60 फीट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dx, dx आया आपका 0.01 डिवाइड बाय 12 फिट। फिट और फिट स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई होके क्यूबिक फिट हो जाएंगे, और 2π × 60² इसको कैलकुलेटर पे चेक करना पड़ेगा, 2π × 60² 60² और मल्टीप्लाई 0.01 और डिवाइड बाय 12 के 18.8495 ये क्यूबिक फिट, ये इतने क्यूबिक फिट आपको पेंट चाहिए होगा जो आपने इस पे करना है। तो यहाँ पर 6π³ है, तो इसको हमें चाहिए था कि पाए में ही रहने दे देते, तो ये भी ठीक आंसर है। मैंने जस्ट इसको लेकर आना है बुक वाले आंसर में, तो 2π × 60 फिट है, 60 का स्क्वायर ले लें, तो 60 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 3600 × 0.01 डिवाइड बाय 12, 3600 और 0.01 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आ जाएगा 36 डिवाइड बाय 12 और क्यूबिक फिट
थ्री 36 होते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 2 पाए, 3 मल्टीप्लाई 2 पाए 6 पाए फिट आ जाएगा, 6 पाए क्यूबिक फिट। तो ये आंसर है आपके बुक में भी, तो ये इट इज़ द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पेंट, इसके नीचे आप लिख लेना विच इज़ द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पेंट नीडेड टू नीडेड ऑन द डोम, ये लिख लेना आप। इसी तरह से अब हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द साइड ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर सरमाउंटेड सरमाउंटेड बाय एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो पहले तो ये बना लेते हैं एक बिल्डिंग। बिल्डिंग किस शेप में? स्क्वायर की शेप में। और इसके ऊपर क्या पड़ी हुई है? एक ट्राइंगल, ये शेप होगी बिल्डिंग की। तो स्क्वायर थी बिल्डिंग और उसके ऊपर सरमाउंटिंग क्या हुई है? सरमाउंटेड है, एक ट्राइंगल सरमाउंट हुई है इस तरह से। तो ये इसकी एक शेप बन गई बिल्डिंग की। द लेंथ ऑफ द बेस इज 15 मीटर। तो लेंथ है, लेट ये एक्स है और ये गिवन है, इट इज इक्वल टू 15 मीटर विद एन एरर ऑफ 1%। 15 मीटर इसकी मेजरमेंट हुई है लेकिन एरर कितना है इसमें? 1%। फाइंड द परसेंटेज एरर इन द एरिया ऑफ द साइड। तो आपने परसेंटेज एरर एरिया फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द साइड, इसमें एरिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम वी पॉइंट ऑफ पेपर, इसको सॉल्व करते हैं। इफ द लेंथ इज 12 मीटर और परसेंटेज एरर कितना है इसमें? 1% है। फाइंड द परसेंटेज एरर इन द एरिया ऑफ द साइड। आप पहले लेट करें कि लेट एक्स बी डी विद द लेंथ ऑफ द बेस। बेस हो गया, अब एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द साइड इज देन एरिया ऑफ द साइड। साइड का मतलब है कि इसके जो फेसेस हैं इस बिल्डिंग के उनका एरिया। इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन और दूसरा एरिया, एक तो ये वाला एरिया हो गया स्क्वायर वाला और जो दूसरा एरिया है वो ये वाला हो जाएगा और ये इसका स्क्वायर वाला है और एक ट्रायंगल वाला है। एरिया ऑफ द स्क्वायर रीजन प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन। एरिया ऑफ द स्क्वायर तो हो गया कितना? एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो बेस है वो एक्स है तो सारी साइड्स एक्स एक्स हो जाएंगी। तो टोटल एरिया क्या हो गया? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ यानी एक्स स्क्वायर। प्लस इसी तरह से ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो ट्राइंगल की हाइट भी पता होनी चाहिए। ट्राइंगल की आपको बेस तो पता है कितनी है, एक्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स है और इसकी हाइट कितनी है, लेट करें वो एच है इसकी हाइट। और इसने कहा है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स, ये वाली भी एक्स और ये वाली, यानी इसकी तीनों साइड जो है वो एक्स एक्स और एक्स हो जाएंगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल हो जाती हैं और उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तीनों एंगल्स इक्वल रखने हैं और इक्वल टू 80 या 180 आने चाहिए। तो ये किस जाहिर सी बात है उसी वक्त पॉसिबल है जब तीनों क्या हों 60 60 डिग्रीज के हों। तो
तो एक तरीका ये है कि आप ये 60 डिग्रीज वाला तरीका अप्लाई कर लें। यहाँ से आपने चूँकि हाइट निकालनी है, हाइट को आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो आप इसको फाइंड कर लें बाय यूजिंग पिथागोरस थ्योरम। लेकिन दोनों केसेस में आपको याद रखना पड़ेगा कि जो ये वाली पोर्शन है ये आपको रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि यही वाला पोर्शन जो है ये मिलकर एक राइट ट्राइंगल बना रहा है। तो ये कितना है, ये इसका हाफ है, एक्स का हाफ है, और ये कितना बन गया, 1/2 x है। तो आप चाहे जो सा मर्जी मेथड यूज़ कर लें, एक ही जैसा आंसर आएगा। मैं पिथागोरस थ्योरम यूज़ करके इसको फाइंड आउट कराऊंगा। तो ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट h। यहाँ पे आप लिख लें वेयर h इज हाइट ऑफ ट्राइंगल, HEIGHT, हाइट ऑफ ट्राइंगल, ये पूरा लिख लेना आप। ये आपका एरिया हो गया, इसको बना दें इक्वेशन नंबर 1। अब आपने h निकालना है, तो बाय यूजिंग पिथागोरस थ्योरम, यहाँ पे पिथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लें, बल्कि मैं इसको आगे अलग से अप्लाई करवा लेता हूँ, ट्राइंगल की एक और ट्राइंगल बना लेते हैं। टोटल जो थी वो एक्स थी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हो गया ये हाफ ऑफ एक्स हो गया, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और फिर ये हाइट एच आपने चूंकि फाइंड आउट करनी है, और ये वाली साइड कितनी थी, दोबारा से वो डायग्राम देख लें, ये एक्स थी, ठीक है। अब इसके ऊपर पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करें और आप एच की वैल्यू फाइंड आउट करें बाय यूजिंग पिथागोरस थ्योरम। एच हो गया आपका बेस का स्क्वेयर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वेयर यानी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 1/2 x² इज इक्वल टू एच स्क्वेयर। सॉल्व करें इसको तो आपके पास आ जाएगा एच स्क्वेयर इज इक्वल टू वन बाय टू एक्स स्क्वेयर। ये आपका हो गया एच स्क्वेयर का आंसर हो गया। अब यहाँ से आप एच की वैल्यू निकालेंगे तो एच हो जाएगा 1/2 x। तो ये आपका हो गया एच। अब इसको आप उसके अंदर पुट कर दें इस फॉर्मूला के अंदर, तो आपका आंसर आ जाएगा, या सॉरी यहाँ से थोड़ी सी एक मिस्टेक आ गई है कि एच निकाला है तो फिर आपको दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर रूट एच स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लो तो एक्स आ जाता है। तो ये आपके पास सिर्फ 1/√2 ऑफ एक्स आ जाता है एच। अगर आप इसके ऊपर 60 डिग्रीज वाला मेथड भी अप्लाई करें तो फिर क्या आता है, साइन 60 डिग्रीज अप्लाई करें, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज एक्स और इसको सॉल्व करें। यहाँ से h की वैल्यू निकालें तो आपके पास h आ जाएगा साइन 60 मल्टीप्लाई एक्स। साइन 60 कितना होता है, स्क्वेयर रूट 3/2,
और h जो है वो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय x, ये स्क्वायर रूट 3 बाय x बन रहा है। इसका मतलब जो हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया वहाँ पर मिस्टेक है, वहाँ पे ये मिस्टेक थी कि ये था 1/2 x का होल स्क्वायर, बेस का स्क्वायर बेस थी 1/2 x, तो 1/2 का होल स्क्वायर आता था जो कि इक्वल होता है 1/4 के। तो यहाँ पे ये इसको दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। तो इसको जब आप नीट करेंगे तो प्लीज़ इसको यहाँ से सेट कर दीजिएगा। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 1/4 x² इज इक्वल टू एच स्क्वेयर, तो ये कितना आ गया 4 x² माइनस x² डिवाइड बाय 4, तो 4 x² माइनस x² कितना हो गया 3 x² एलसीएम वाला मेथड करें तो ये आपका एच स्क्वेयर का आंसर आ गया। अब लास्ट में इसको सेट करके देख लें, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट अप्लाई कर दें तो आ जाएगा स्क्वेयर रूट 3/4 x² का। अब स्क्वेयर रूट 3 का स्क्वेयर रूट 3 डिवाइड बाय 4 का स्क्वेयर रूट ये हो गया 2, और फिर एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट ये एक्स, तो एच जो है वो स्क्वेयर रूट 3/2 x आया। ज़्यादा आसान मेथड है कि आप क्या अप्लाई कर दें, ये वाला साइन 60 डिग्रीज वाला मेथड अप्लाई कर दें, इससे आपके पास दो स्टेप्स में आंसर आ जाएगा। अब ये वैल्यूज उठाकर आपने क्या करनी है, वहां पर एरिया में पुट कर देनी है। नाउ एरिया ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, हाइट कितनी थी आई है स्क्वायर रूट 3/2 x। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3/4 x², तो ये आपका आ गया एरिया। आज से क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यूज डिफरेंशियल्स टू एस्टिमेट, सॉरी फाइंड द परसेंटेज एरर इन द एरिया ऑफ द साइड, अपने इसमें परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है। तो पहले एरर फाइंड आउट करें डी ए, तो वो किसके इक्वल हो गया 2x dx प्लस इसी तरह से यहाँ पे अप्लाई करें 3/4 2x dx। तो ये हो गया, चाहे तो यहाँ से आप dx को कॉमन ले लें, dx को कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस स्क्वेयर रूट 3/4, तो इस बल्कि ना कॉमन लें इसको एज इट इज लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसी तरह से अब आपने आगे करना है परसेंटेज एरिया परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है। परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है तो पहले आपको रिलेटिव एरर भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, डी ए डिवाइड बाय ए। तो ये रिलेटिव एरर हो गया, ये इक्वल हो जाएगा 2x dx प्लस स्क्वायर रूट 3/2 स्क्वायर रूट 3/4 मल्टीप्लाई 2x, ये 4 2 ये कैट कट हो जाएंगे और नीचे आपके पास 2 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट 3/2 x dx डिवाइड बाय a, a की वैल्यू ये लिखी हुई है हो गया एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3/4 x². ऊपर से आप अगर कॉमन ले लें 2x को, 2x कॉमन ले लें और dx को भी कॉमन ले लें, चाहे 2x dx कॉमन ले लें आपके पास रह जाएगा, बल्कि इसको दूसरी साइड पे लिखते होते हैं क्योंकि डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल को हमेशा दूसरी साइड पे लिखते हैं। तो 2x dx कॉमन आ गया तो आपके पास रह जाएगा खाली 1 प्लस स्क्वायर रूट 3
डिवाइड बाय, कॉमन लेने का मतलब होता है इसके साथ डिवाइड करें, 2 के साथ डिवाइड करें तो 4 आ जाएगा, एक्स डी एक्स आपके हो गए कॉमन। अब इसी तरह से नीचे क्या कॉमन आ रहा है, नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 बाय 4, 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 बाय 4 और ये 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 बाय 4 ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से ये एक्स जो है ये इसकी एक पावर के साथ कट हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 2dx डिवाइड बाय x। इसको कोई और इक्वेशन का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर कुछ भी इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब इसके बाद आपको ये कहा गया कि क्वेश्चन में देखें, आपको कहा हुआ है कि इफ द लेंथ ऑफ द बेस इज 15 मीटर्स विद एन एरर ऑफ 1%, लेंथ ऑफ द बेस 15 मीटर है और एरर जो है इसमें परसेंटेज एरर दिया है और परसेंटेज एरर आपको दिया 1%, तो 1% इसकी जो लेंथ है या बेस की जो लेंथ है उसमें एरर है। तो इसका मतलब हुआ कि गिवन दैट परसेंटेज एरर इन द लेंथ ऑफ बेस, बेस की लेंथ में जो एरर है वो इसने कह दिया ये 1% है। तो परसेंटेज एरर एक्स में किस तरह से आएगा, एक्स होगी लेंथ ऑफ बेस तो रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100%, ये हमने डेफिनेशन बताई हुई है परसेंटेज एरर की, 1% तो परसेंट 100% को वहां पे जाके डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 1% डिवाइड बाय 100%, ये आपका हो गया डी एक्स डिवाइड बाय एक्स। परसेंट और परसेंट कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ और आपके पास आ जाएगा 1/100, तो इसका मतलब हुआ कि डी एक्स बाय एक्स जो है वो इक्वल हो जाएगा 0 1/100 यानी 0.01। ये डी एक्स बाय एक्स का आंसर आ गया, इसको आप फिट कर दें अपने क्वेश्चन सॉरी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, आपके पास आंसर आ जाएगा। और सॉरी ये ए नहीं था, ये डी ए था, ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स आती हैं तो जब आप इसको नीट करते हैं तो ये नोट भी कर लिया करें, फाइंड आउट भी कर लिया करें और करेक्ट भी कर लिया करें। सो डी ए इज इक्वल टू 2x डी एक्स बाय एक्स था, आई थिंक 2x डी एक्स बाय एक्स, यहाँ से डी एक्स बाय एक्स का आंसर फिट कर दें, एक्स का भी पुट कर लें यहाँ पे, एक्स के बजाय आपको एक्स शुरू में दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, देखें इट इज 15 मीटर्स, लेंथ ऑफ द बेस इज 15 सेंटीमीटर्स, तो यहाँ पे आ गया 15 मीटर्स आएगा। और आगे था डी एक्स बाय एक्स, डी एक्स बाय एक्स कितना आया 0.01, सॉल्व करें तो 30 मल्टीप्लाई 0.01, 30 मल्टीप्लाई 0.01 हो गया 0.3, 30 मल्टीप्लाई 0.,, तो ये 0.3 हो गया और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज एरर 15 मीटर्स दिया हुआ है, बेस की जो लेंथ आपको दी हुई है 15 मीटर्स दी हुई है, इसको यहां पर पुट करें, आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक, और सॉरी ये 2x dx
नहीं है, ये 2 dx/x है, तो सॉरी फॉर दिस, वंस अगेन देयर इज अ मिस्टेक. तो ये था 2 2d/dx, सॉरी 2 dx/x था इक्वेशन 2 में, तो सॉरी फॉर दैट मिस्टेक. तो 2 times dx/x का dx/x जो है 0.01 है, तो 2 multiply 0.01 कितना आ गया, dA/A का आंसर है. सॉरी फॉर दिस वंस अगेन, ये dA नहीं था, dA/A था. लेट मी कंफर्म इट, दो स्टेप्स पीछे जाना पड़ेगा. यस, ये dA/A है. सो dA/A आपका हो गया 0.02, और ये हो गया रिलेटिव एरर. आपने परसेंटेज एरर निकालना था, तो परसेंटेज एरर आपके पास आ गया, परसेंटेज एरर इन एरिया इज इक्वल टू dA/A multiply 100%. तो ये इक्वल हो गया 0.02 multiply 100%, कितना हो गया 2%, और यही आंसर है. सॉरी, इस क्वेश्चन के अंदर काफ़ी मिस्टेक्स आई थी. आप पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लिया करें, और फिर इसको मतलब एक अच्छी तरह से इसको वॉच आउट कर लिया करें, और फिर इसको पॉज करके आप अपने नोट्स में इसको नीट कर लिया करें. ये थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक्स जो हैं वो हो जाती हैं, तो सॉरी फॉर दिस. सो दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 10 है, अ बॉय मेक्स अ पेपर कप इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन विद हाइट 4 times इट्स रेडियस. इफ द रेडियस इज चेंज फ्रॉम 2 cm टू 1.5 cm बट द हाइट रिमेन्स 4 times द रेडियस, फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ द कप. सिंपल सा क्वेश्चन है. आपसे कहा जा रहा है कि एक लड़का है, वो क्या कर रहा है, एक पेपर कप डिज़ाइन कर रहा है, यानी कि वो बॉय जो है वो एक कागज़ से, एक पेपर से एक कप डिज़ाइन कर रहा है, और कप की शेप कैसी है, इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन. इस कप की शेप ऐसी है, कोन कोन की तरह की शेप है इसकी, ऐसे राइट सर्कुलर कोन है. विद द हाइट 4 times इट्स रेडियस. रेडियस इसका क्या आ जाएगा, ये जो इसकी बेस होती है, बेस सर्कुलर होनी चाहिए क्योंकि ये सर्कुलर कोन है, और ये इसका रेडियस हो जाता है, और ये वाला पॉइंट इसका सेंटर हो जाता है. तो ये रेडियस हो गया आर, और इसकी हाइट क्या हो जाएगी, ये सेंटर से लेकर इसकी टॉप तक का डिस्टेंस, ये हाइट हो जाएगी, और इसको हम एच से डिनोट कर देंगे. आगे कहा जा रहा है कि इफ द रेडियस इज चेंज्ड फ्रॉम 2 cm टू 1.5 cm बट द हाइट रिमेन्स 4 times द रेडियस, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट डिक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ द कर्व. यानी कि अगर हम इसका रेडियस अगर चेंज करें, इसको कम करके 2 cm से 1.5 cm कर दें, लेकिन हाइट को ना छेड़ें, हाइट को वैसा ही रहने देते हैं, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि बताएं इसकी कप की कैपेसिटी में कितनी कमी वाकई होगी. कैपेसिटी का मतलब इसका वॉल्यूम, ये कितनी अमाउंट में किसी चीज़ को अपने अंदर इसके अंदर कितनी अमाउंट में कोई चीज़ डाली जा सकती है, इसकी कैपेसिटी है. तो डेफिनेटली इसका मतलब हुआ वॉल्यूम, तो हमने डिक्रीज इन द वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे लेट आर बी द रेडियस. आर की बजाय हम कह देते हैं एक्स, क्योंकि पिछले सारे क्वेश्चन के अंदर हमने रेडियस एक्स ही लिया. लेट एक्स बी द रेडियस ऑफ द कौन एंड एच बी इट्स हाइट. तो लेट करें एच इसकी हाइट है,
तो पिछले क्वेश्चंस में भी किसी क्वेश्चन में मैंने अभी बताया कि इसका वॉल्यूम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है, इसके आगे लिख लें बल्कि देन द वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज V is equal to V is equal to 1 by 3 times रेडियस का स्क्वायर टाइम हाइट। अब आपको गिवन है कि जो इसकी हाइट है इट इज 4 टाइम्स दी रेडियस। फोर टाइम्स द रेडियस इज हाइट, तो ये गिवन है। सो यहाँ से आप वी क्या निकलेगा, वी इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स एक्स स्क्वायर टाइम 4x। तो यानी कि ये 4/3 4/3 यहाँ पे पाई भी आता था, सॉरी 4/3 पाई एक्स क्यूब। तो ये आपका वॉल्यूम हो गया। अब अपने चेंज इन द वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। चेंज इन द वॉल्यूम क्या होगा, डी वी इज इक्वल टू 4/3 पाई 3x² dx। ये बहुत दफा हम कर चुके हैं इसलिए इसको यहाँ समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली आपके पास चेंज इन द वॉल्यूम आ जाएगा 4π x² dx। तो ये डी वी हो गया। अब उसने क्या कहा कि एक्स चेंजेस फ्रॉम 2.0 सेंटीमीटर टू 1.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हुआ कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो हो गया वो आपके पास कितना हो गया, 1.5 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से आपने डेल्टा एक्स या डी एक्स निकालना है। तो डेल्टा एक्स आपका हो गया, ये जो कि डी एक्स भी होता है, इक्वल हो गया, एक्स को उठा के 1.5 के साथ माइनस करा दें, 1.5 सेंटीमीटर माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर, यानी कि नेगेटिव 0.5 सेंटीमीटर्स। तो ये आपका डी एक्स आ जाएगा, डी एक्स इक्वल टू -1.5 सेंटीमीटर। ये दो वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दें। नाउ डी वी इज इक्वल टू 4π x² सॉरी ये 0.5 है, x² यानी कि -1/2 सेंटीमीटर² मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स। सॉरी दोबारा से गलती होगी, यहाँ पे x की वैल्यू लगेगी, x की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर्स, फिर मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स, डी एक्स है -0.5 यानी कि -1/2 सेंटीमीटर्स। तो ये कितना आ गया, 16π² और सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब, डिवाइड बाय 2 भी आ जाएगा और माइनस का भी साइन है, और सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होके क्यूबिक सेंटीमीटर बन जाएंगे। तो ये आपका चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा, और ये कितना हो गया, -8π सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आपका रिक्वायर्ड चेंज इन द वॉल्यूम है। अब चेंज इन द वॉल्यूम कितना आया, नेगेटिव आया है, -8π आया है, यानी कि नेगेटिव साइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव साइन नेगेटिव चेंज को रिप्रेजेंट करता है। अब नेगेटिव चेंज क्या है,
ये डिक्रीज को रिप्रेजेंट करता। फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज़ की हाइट जो है या लेंथ जो थी वो शुरू में 2 सेंटीमीटर थी और बाद में वो 1.5 सेंटीमीटर होगी, तो चेंज कितना आया? बाद वाली वैल्यू माइनस पहले वाली वैल्यू -0.5 सेंटीमीटर्स का चेंज आया। तो ये माइनस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि चेंज जो है वो क्या नेगेटिव है। अब यहाँ पर चेंज क्या आया? नेगेटिव आया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। कितना डिक्रीज हुआ? इट डिक्रीजेज बाय 8 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आप इसको लिखेंगे वेयर नेगेटिव साइन शोज दैट देयर इज अ डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द या डिक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ द कप एंड द वॉल्यूम ऑफ द कप या कैपेसिटी ऑफ द कप डिक्रीजेज बाय 8 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पे लिखना है 10। इससे पहले वो लिख लेना है कि द नेगेटिव साइन शोज दैट दैट देयर इज द डिक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ द कप। दस दी वॉल्यूम, वॉल्यूम लिखें या कैपेसिटी लिख लें की बात है, द कैपेसिटी ऑफ द कप डिक्रीजेस बाय 8 पाई। ऑफ द कप डिक्रीजेस बाय या डिक्रीजेस टू भी लिख सकते हैं 8 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ पेपर। ये क्वेश्चन है कि टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ मीनारे पाकिस्तान, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये रहा क्वेश्चन। टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ मीनारे पाकिस्तान अ शेडो ऑफ 3 मीटर पोल प्लेस 24 मीटर फ्रॉम द मीनार इज मेजर्ड। इफ द लेंथ ऑफ द शेडो इज 1 मीटर विद द परसेंटेज एरर ऑफ 1%, फाइंड द हाइट ऑफ मीनार। ऑल्सो फाइंड द परसेंटेज एरर इन द हाइट सो फाउंड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं कि इसको किस तरह से हमने सॉल्व करना है। कह रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 11 है और ये एरर्स वाले केस का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे दूसरे टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ मीनार ए पाकिस्तान अ शेडो ऑफ 3 मीटर पोल इज प्लेस्ड 24 मीटर फ्रॉम द मीनार इज यूज। लेट करें कि ये हमारा जो है ये मीनार ए पाकिस्तान है, हमने इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है और हमें ये पता है कि इसका शेडो कितना है। लेट करें कि ये मीनार ए पाकिस्तान था ये वाला और ये जो है इसका शेडो है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एक पोल को यूज कर सकते हैं। ये हमने एक पोल यूज कर लिया, लेकिन ये पोल कुछ इस तरह से होना चाहिए कि इसका जो साया है उसका एंड उधर ही होना चाहिए जहां पर मीनार के साये का एंड हो रहा है। और दूसरी बात ये, जब आप इसको यहां से ऑब्जर्व करें इधर को, तो आपकी इसकी बिल्कुल एंड पे जो है ये मीनारे पाकिस्तान का एंड नजर आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप फॉर एग्जांपल इसको इधर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको जनाब मीनारे पाकिस्तान का इतना सारा ऊपर वाला पोर्शन जो है वो नजर आ रहा है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। सिर्फ यहां तक का पोर्शन नजर आना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए ऐसे?
क्योंकि इससे हमारी मेजरमेंट्स हैं वो बहुत सिंपलीफाई हो सकती हैं, तो हम बगैर इसकी जो लेंथ है मीनार पाकिस्तान की लेंथ उसको मेजर किए बगैर सिर्फ एक छोटे से पोल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं, मीनार पाकिस्तान की मेजरमेंट कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी कि जब आप यहाँ से ऑब्जर्व करें, इस पॉइंट से अगर आप ऑब्जर्व करें, आपने देखना है ये जो पोल बनाया है इसकी टॉप पे देखना है, और अगर आप इसकी बिल्कुल टॉप पे देख रहे हैं तो आपको इसकी बिल्कुल टॉप की सीध में जो है ना आपको क्या नज़र आना चाहिए, ये नज़र आना चाहिए, मीनार पाकिस्तान की टॉप नज़र आनी चाहिए। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है और इसी तरीके से हम इसको किया करते हैं। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ से आपकी क्या बन जाती है, एक ट्रायंगल बन जाती है, ये इस तरह से, तो ये आपकी ट्रायंगल बन गई। ये मीनारे पाकिस्तान है, लेट करें इसकी जो लेंथ थी वो एक्स है, और आपको क्या कह दिया गया, आपको ये कहा गया है कि इफ द लेंथ ऑफ शेडो इज 1 मीटर, कि ये जो आपने पोल यूज़ किया था, पोल किधर प्लेस किया, 24 मीटर फ्रॉम द मीनारे पाकिस्तान, यानी मीनारे पाकिस्तान से लेकर इस पोल तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 24 मीटर, और ये कहा जा रहा है कि इस पोल की जो लंबाई है वो कितनी है, 3 मीटर, और ये बताया जा रहा है कि जो इसका साया बन रहा है यहाँ पर वो कितना है, 1 मीटर है। तो ये आपको दे दिया, इफ़ द लेंथ ऑफ द शेडो इज 1 मीटर विद द परसेंटेज एरर ऑफ 1%, फाइंड द हाइट ऑफ मीनार, आपने मीनार की हाइट फाइंड आउट करनी है, और ये भी बताना है कि इस हाइट में कितना परसेंटेज एरर आया। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, हम ये हमारे पास चूंकि एक ट्राइंगल बन गई है और इस ट्राइंगल का नाम रख लेते हैं हम, लेट ए बी, बल्कि बी इधर नहीं देते, ए इसको बी कह देते हैं, इस पॉइंट को सी कह देते हैं, इस पॉइंट को डी कह देते हैं, और इस वाले पॉइंट को ई कह देते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कुछ थोड़े बहुत थ्योरम बचपन के जो है 8th 9th क्लास के थ्योरम्स वो यूज होंगे इधर, ज्योमेट्री के, सिंपल ज्योमेट्री के। लेट करें, लेट एक्स बी दी हाइट ऑफ द मीनारे पाकिस्तान, लेट करें ये एक्स जो है इसकी हाइट है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इस ट्राइंगल ए डी सी जो बड़ी वाली ट्राइंगल है इसको देखें, और छोटी वाली ट्राइंगल ए बी ई, इन दोनों को देखें, ये सेम ट्राइंगल्स हैं। सेम ट्राइंगल्स से क्या मुराद है, कि अगर देखें, अगर दो ट्राइंगल्स में इन्वॉल्व होने वाले कोई से दो एंगल्स एक जैसे हों, कोई से दो एंगल्स एक जैसे हों, डेफिनेटली तीसरा भी एक जैसा होगा। अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स एक जैसे हों, किसी दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स एक जैसे हों, तो वो ट्राइंगल्स सिमिलर होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कौन कौन सा है, यहाँ पे इसके पास एक 90 डिग्री का एंगल है, और इसके पास भी 90 डिग्री का एंगल है, और इसके अलावा ये वाला जो एंगल है वो इस छोटे ट्राइंगल में भी आ रहा है और बड़ी ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये दो ट्राइंगल्स क्या हो गई हैं, सेम हो गई हैं। तो अगर ये सेम ट्राइंगल है तो फिर सेम ट्राइंगल्स का थ्योरम आप इस्तेमाल करें, कि अगर कोई सी दो ट्राइंगल्स सेम है तो उनकी करस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो भी सेम होगी। ये आप थ्योरम कहीं पे लिख लें, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सेम नहीं सिमिलर, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन दी रेशियो ऑफ देयर करस्पोंडिंग साइड्स इज इक्वल। तो अब इस थ्योरम को यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। अब आप लिखेंगे लिखेंगे कि फ्रॉम द फिगर वी सी दैट
ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल दूसरी कौन सी है ए सी डी, ए सी डी आर सिमिलर, सेम नहीं कहेंगे हम, सिमिलर है, एक जैसी हैं। सो अगर दो ट्राइंगल सेम है तो हमने कहा कि थ्योरम के मुताबिक उनकी जो साइड्स हैं उनकी करस्पोंड सॉरी इन ट्राइंगल्स की करस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो एक जैसी होंगी। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका परपेंडिकुलर रेशियो इसी ट्राइंगल की बेस या इज इक्वल टू, इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, के ट्राइंगल ए सी डी का परपेंडिकुलर डिवाइड बाय ट्राइंगल ए सी डी की बेस। अब ट्राइंगल ए सी डी की बेस कितनी बन रही है, ए से लेकर सी तक, ए से लेकर सी तक इसकी बन रही है बेस। सो एक्स डिवाइड बाय ए सी इज इक्वल टू, इसी तरह से दूसरी ट्राइंगल जो है ए बी ई इसका परपेंडिकुलर यानी कितना था ये बी ई डिवाइड बाय इसी वाली ट्राइंगल का बेस ए बी। दोबारा से बता देता हूँ कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो एक जैसी होगी। अब हमने रेशियो लिया दोनों साइड्स पे, बीच में इक्वल लगा दिया दोनों। अब हमने कहा कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो एक जैसी होती है, तो हमने पहले क्या किया कि पहले ट्राइंगल ए सी बी, ए सी डी बड़ी वाली ट्राइंगल ली है और इसकी हमने रेशियो निकाली है परपेंडिकुलर रेशियो बेस, परपेंडिकुलर रेशियो बेस इसकी निकाली, फिर हमने दूसरी ट्राइंगल की परपेंडिकुलर रेशियो बेस निकाली और इन दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वल कर दिया। तो ये था। अब इसी तरह से अब ये वैल्यूज यहाँ पर फिट कर दें, होपफुली आपको ये थ्योरम की समझ आ गई होगी। अगर आप कीज वगैरह के अंदर, नोट्स वगैरह के अंदर देखते हैं तो आपको इसकी ज़्यादा अच्छी समझ नहीं आएगी, और बहुत सारी एकेडमीज कॉलेजेस के अंदर भी टीचर्स जो हैं वो इस तरह से नहीं पढ़ाते होते, तो बेस के अंदर बिल्कुल बीच में डेप्थ में नहीं जाते होते। एक्स डिवाइड बाई ए सी, ए सी की वैल्यू लगाएं ट्राइंगल को, गौर से देखें ए सी किसके बराबर है, ए सी बराबर है ए बी प्लस बी सी, इन दो को इकट्ठा करें तो आपके पास ए सी आ जाता है। अब ए बी कितना हो गया 1 मीटर और बी सी कितना हो गया 24 मीटर, तो ए से लेकर सी तक कितना हो गया 25 मीटर, तो इज इक्वल टू बी ई। बी ई कितना है, ये तो हाइट ऑफ द पोल है, नजर आ रहा है ट्राइंगल इस शेप के अंदर, इस डायग्राम के अंदर, तो ये कितना हो गया 3 मीटर डिवाइड बाय 1 मीटर। ए बी, ए बी कितना है 1 मीटर है, तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे सिंपली पुट कर दिया, हमारे पास हाइट ऑफ द मीनार पाकिस्तान आ जाएगा, मीटर और मीटर कट हो जाएंगे और 25 मीटर आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 25 meters, कितना आंसर आ गया 75 meters। तो ये तो होगी हाइट ऑफ द मीनार पाकिस्तान, ये आपका पहला आंसर हो गया। यहाँ पे आप लिख लेना दस द हाइट ऑफ द मीनार पाकिस्तान इज 75 meters। अब हमने फाइंड आउट ये करना है कि इस हाइट में क्या एरर होगा, चूंकि हमने हाइट किसकी मदद से मेजर किया, हमने मेजर किया पोल के शेडो की मदद से, और हमने कहा कि शेडो के अंदर जो हमने मेजरमेंट की है उसमें एरर है 1% का, 1% का परसेंटेज एरर है। तो अब आपने ये बताना कि जो हमने हाइट फाइंड आउट की है इस हाइट में कितना एरर है, मीनार पाकिस्तान की हाइट में कितना एरर आया और वो परसेंटेज एरर हमने फाइंड आउट करना। तो ये एक काफ़ी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि आसान तरीके से आपको समझा पाऊँ। अब हमारा एरर किधर आया था, जो हमें बताया ये गया हमारे क्वेश्चन के अंदर कि जो हमने ये 1 मीटर का शेडो की लेंथ जो मेजर किया है 1 मीटर, इसके अंदर एरर है 1% का, तो ये परसेंट 1% का एरर है। अब हम ये कह देते हैं कि लेट करें कि ये जो हमने शेडो की मेजरमेंट की है इसमें एरर तो 1% था, लेट करें इसकी जो ओरिजिनल जो लेंथ थी लेट करें कि वो कुछ भी है, लेट जी है, ठीक है, तो ओरिजिनल मेजरमेंट को हम कह देते हैं लेट दिस इज जी।
एट दी ओरिजिनल या एक्चुअल लेंथ ऑफ द शैडो शैडो बी जी। तो हमने वो जी बना दी, जेड बना दी है। तो फिर देन अब ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन देन इक्वेशन वन बिकम्स, इसी इक्वेशन को हमने यूज करना है। देन इक्वेशन वन यील्ड्स क्या मिलेगा। अब जरा जो हमने नई सिचुएशन लेकर आ गए हैं कि हमने जो अब ओरिजिनल शेडो की जो ओरिजिनल लेंथ है उसको हमने वाई बना लिया, तो ए भी जो है ना अब क्या हो जाएगा वाई। तो ए से लेकर सी तक कितना हो जाएगा वाई प्लस 24। बस खाली ये चेंज आएगा कि ए बी के बजाय क्या आ जाएगा वाई। तो इस इक्वेशन के अंदर इसको सिर्फ पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा एक्स डिवाइड बाई ए सी, एक्स डिवाइड बाई ए सी। ए सी कितनी है ए बी प्लस बी सी, ए बी कितना है वाई प्लस बी सी कितना है 24। दोबारा से देख लें, ए सी जो है वो वाई प्लस 24 हो जाएगा फिगर के अंदर। ए सी जो है वो कितना हो गया ए बी यानी वाई प्लस 24 मीटर्स। फिर इसके बाद आगे आता है बी ई डिवाइड बाई ए बी, बी ई वही रहेगा 3 मीटर, ए बी जो है वो वाई बन जाएगा। ए बी रहेगा 3 मीटर्स डिवाइड बाय नीचे जो है वो आ जाएगा वाई मीटर्स। तो यहाँ पे यूनिट्स ना यूज करें क्योंकि यहाँ पर भी एम आना चाहिए और यहाँ पर भी एम और यहाँ पर भी एम, ये थोड़ा सा आपके लिए कन्फ्यूजन कर देगा। एंड में आप सिंगल यूनिट यूज कर लें। तो अब इसको आप क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा एक्स वी एक्स वाई इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस 24 थ्री वाई प्लस 72 इज इक्वल टू एक्स वाई। वाई वाली क्वांटिटी को इधर लेकर आ जाए तो आपके पास आ जाएगा माइनस 3y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 72 अब आप क्या करें कि बल्कि ये काम ना करें, यहां से पहले आप डिफरेंशियल अप्लाई कर लें फिर इनको कलेक्ट कर लेना। तो अप्लाई डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ 3y प्लस 72। इस साइड के डिफरेंशियल से अलहदा करें 3 मल्टीप्लाई dy प्लस डिफरेंशियल ऑफ 72। 72 कांस्टेंट है, इसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आ सकता, इसलिए इसका डिफरेंशियल भी क्या हो जाएगा जीरो। तो नेक्स्ट स्टेप में आप ये लिख लीजिएगा और इस साइड पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशियल्स अप्लाई करना पड़ेगा। पहला एक्स है दूसरा वाई है, पहले वाले का डिफरेंशियल dx दूसरे वाला एज इट इज प्लस पहले वाला एज इट इज दूसरे वाले का डिफरेंशियल। डी वाई वालों को इकट्ठा कर दें, वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई कॉमन करेंगे, जब डी वाई इस साइड पे आएगा कॉमन कर लें तो आपके पास आ जाएगा 3 माइनस एक्स।
एक्स डी वाई को दूसरी तरफ ले जाएं और फिर दोनों से डी वाई कॉमन कर लें, तो ये आ जाएगा आपके पास। यहाँ से आप क्या कर दें कि वाई को उठाकर इधर लेकर आ जाए, क्यों लेकर आ जाए ये भी आपको पता चल जाएगा। डी एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी वाई बाय वाई, इसको बना दें इक्वेशन नंबर, कोई भी इक्वेशन बना दें। मैं इसको बना देता हूँ इक्वेशन नंबर ए। अब डी वाई बाय वाई क्या चीज़ है? वाई थी लेंथ ऑफ शेडो, और डी वाई क्या हो गया उस लेंथ के अंदर? एरर। तो एरर ये तो ये क्या चीज़ हो गई? ये डी वाई बाय वाई, डी वाई बाय वाई क्या हो गया? ये रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द शेडो हो गया। तो और हमें क्या दी हुई है? हमें परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ शेडो दिया हुआ है, तो हम उसकी मदद से डी वाई बाय वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज एरर इन इन मेजरमेंट ऑफ वाई इन द शेडो इज 1%, और इस साइड पे आप परसेंटेज, लेफ्ट हैंड साइड पे परसेंटेज एरर का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, यानी कि डी वाई बाय वाई, और इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100% के साथ, और ये आपके पास कितना आ गया? 1%। तो डी वाई बाय वाई कितना आ जाएगा? 1% डिवाइड बाय 100%। 100% को इस साइड पे लेके आ जाए, डिवाइड कर दें, परसेंट और परसेंट कैंसिल, 1 और डिवाइड बाय 100 जो है वो इक्वल हो जाएगा 0.01 के। तो डी वाई बाय वाई आपके पास आ गया। आप इक्वेशन ए के अंदर इसको फिट कर दें, तो इक्वेशन ए क्या आ जाएगी? एक्स आपके पास था हाइट ऑफ मीनार, और वो हमने फाइंड आउट कर लिया, वो कितना आया? वो आया 75 मीटर। तो उसको यहाँ पर पुट कर दें इस जगह पर, एक्स की जगह पर, और अभी जो डी वाई बाय वाई निकाला है इसकी वैल्यू भी फिट कर दें यहाँ पर। तो आपके पास डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, अब विद डी वाई बाय वाई इज इक्वल टू 0.01 एंड एक्स इज इक्वल टू 75 मीटर्स, वी गेट, या वी गेट के बजाय लिखते हैं इक्वेशन ए बिकम्स डी एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, एक्स की जगह 75 मीटर्स, मल्टीप्लाइड बाय डी वाई बाय वाई, अभी हमने निकाला कितना आया? 0.01। तो यूनिट्स को बेशक यहाँ पे यूज ना करें, क्योंकि ये 3 मीटर आता था यहाँ पर। तो 3 माइनस 75 कितना हो गया? 72। और 72 जब माइनस 72 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 कितना आ जाएगा? 1 माइनस का साइन यहाँ पर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं ये इसमें एरर था, और ये क्या है कि ओरिजिनल जो लेंथ है वो ज़्यादा हमने मेजर, हमने जो मेजरमेंट की है वो
ज़्यादा आई है, और ओरिजिनल वाली जो थी वो थोड़ी सी कम थी। तो -72 मल्टीप्लाई 0.01 ये कितना आ जाएगा, 0.72। तो ये आ जाएगा। अगर माइनस के साइन से कंफ्यूज हैं तो मैं आपको ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट यहाँ पर दे देता हूँ बुक के आंसर के साथ मैच करने के लिए। अब परसेंटेज एरर उस इन वाई दिया उसने 1%, और हमें ये नहीं पता कि ये जो एरर है ये कैसा है, ये जो चेंज इन वाई आ रहा है वो कैसा है, वो पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव चेंज है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्लस माइनस लगाते, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन ही दी हुई कि हाइट इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। तो इसलिए या जो लेंथ जो हमने शेडो की मेजरमेंट की है वो क्या थी, ओरिजिनल वाली क्या थी, क्या वो इस मेजरमेंट से ज़्यादा थी या कम थी, हमें नहीं पता। इसलिए हम क्या लगा लेंगे यहाँ पे, प्लस माइनस लगा लेंगे। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट है कि अगर आपको नहीं पता कि क्या दिया हुआ क्या नहीं, मतलब कि इंक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो इसलिए आप उस केस में प्लस माइनस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप क्या यूज़ कर लें, प्लस माइनस का इस्तेमाल कर लें। तो इधर भी प्लस माइनस और इधर भी प्लस माइनस, और इस जगह पर भी क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। अब ये प्लस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और फिर ये माइनस जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब दोबारा हमारे प्लस हमारे पास प्लस माइनस आ जाएगा। तो ये डी एक्स आपके पास प्लस माइनस 0.72 आ गया था। उसमें परसेंट ये डी एक्स क्या है, एक्स था मेजरमेंट ऑफ दी लेंथ ऑफ मीनारे पाकिस्तान, मीनारे पाकिस्तान की लेंथ थी। तो डी एक्स क्या हो गया, उस लेंथ में एरर, मीनारे पाकिस्तान की लेंथ में एरर। अब उसने हमने कहा, उसने हमें कहा हुआ है कि मीनारे पाकिस्तान की जो लेंथ आई थी इसका परसेंटेज एरर निकालें, यानी कि आपने पहले अब रिलेटिव एरर निकालना है, फिर उसको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना है सिंपली 100% से मल्टीप्लाई करके। तो अब आप क्या करेंगे, डी एक्स बाय एक्स निकालेंगे। तो डी एक्स बाय एक्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डी एक्स क्या था 0.72, और इसको डिवाइड करते हैं किसके साथ, 75 के साथ, क्योंकि एक्स 75 मीटर था। चेक करें क्या आंसर आता है, 0.72 डिवाइड बाय 75, तो 0. ये प्लस माइनस 9.6 मल्टीप्लाई 10^-3 साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, नॉर्मल नोटेशन में कॉमन नोटेशन में लेके 0.00096। तो ये बन जाएगा, एक सेकेंड, 1, 2 और 3 -3 ठीक हो गया। और फिर ये डी एक्स बाई एक्स आ गया। अब आपने क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है। फाइनली परसेंटेज एरर एरर इन एक्स इन द एक्स एक्स क्या था, हाइट ऑफ मीनार पाकिस्तान इज प्लस माइनस 0.0096 मल्टीप्लाइड बाय किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 100% के साथ, रिलेटिव एरर को 100% के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपके पास प्लस माइनस 0.96% आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस का निशान बस आपको ये बता रहा है कि एरर जो हमारे पास लेंथ आई है वो ओरिजिनल लेंथ जो हमने मेजर किया है वो ओरिजिनल लेंथ से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो प्लस माइनस का तो मीनिंग ये हो जाता है। तो आप लिखेंगे 10% एरर इन, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा द परसेंटेज एरर इन दी हाइट ऑफ मीनारे पाकिस्तान इज 0.96%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।